ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिका कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य में प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण इंद्र पूजा को बंद करवाए और श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने पूजा कराई। हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं कृष्णा ये गिरिराज धारण क्यों किया है और गिरिराज की पूजा को उन्होंने जगत में क्यों स्थापन की। कहते इसको पीछे उन्होंने चार ही कारण बताते हैं। हाँ, कहते पहला कारण है कृष्णा शिक्षा देते हैं बहु देवा देवियों को पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने पूजा किसकी बंद की, बोले इंद्र की। बोले इंद्र कौन है, बोले स्वर्ग का राजा, सारे देवताओं का ये राजा है, इसलिए उन्होंने इंद्र पूजा तक भी बंद करवा दिया। साधारण देवादेवी की बात ही तो छोड़ दो। इसलिए कहते अगर झोली फैलाना तो किसको पास में झोली फैलाओ, कहते श्री गोविंद देव को पास में झोली फैलाओ, क्योंकि जो जो तुच्छ तुच्छ जो देवादेवी है
वो जो वस्तु प्रदान करते हैं वो क्षणस्थाई और बंधन का जो वस्तु प्रदान करते हैं, लेकिन जो गोविंद देव जो चीज देते हैं वो शाश्वत और नित्य और परमानेंट चीज जो देने वाले श्री ये गोविंद देव है। बोले भगवान गोविंद देव की, इसलिए उन्होंने बोले अगर झोली फैलाओ श्री गिरिराज गोवर्धन को पास में। कहते से गिरिराज गोवर्धन कौन है? ये सर्व अभिष्ट प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन, ये सब कुछ श्री गिरिराज बाबा देने वाले। दूसरा कारण है इंद्र को मन में बड़ा अभिमान। आगे आ जाओ बच्चा, आगे आ जाओ। इसलिए इंद्र को मन में बड़ा अभिमान, बोले क्या अभिमान है? मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मैं बारी बरसाता हूँ, इसलिए घास उगता है, गैया खाते हैं, दूध देते हैं, और ग्वाला का जो मूल धन ये गाभी है। इसलिए अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा तो सबके सब मर जाएंगे। कृष्ण ने कहा जिनकी जूती मैं स्वयं सर पर धारण करता हूँ ये ब्रज इंद्र कौन बनता है? बोले 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर तभी कोई इंद्र पद को प्राप्त करता है, लेकिन करोड़ अश्वमेध यज्ञ से ब्रज का एक रज भी किसको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, बोले के सब के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। कहते स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानते नहीं है हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए वृंदावन का रज कोई साधारण वस्तु नहीं, वो चिंतामणि है। अभी इंद्र का अभिमान को उनको दूर करना था, इसलिए कृष्ण ने इंद्र पूजा को बंद करवा दिया। उसका तीसरा कारण बताए, कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रजवासी है कौन? बोले मेरे विस्तार है, मेरा ही प्रकाश है। राधा रानी कृष्ण की अभिन्न प्रकाश, राधा रानी की एक एक भाव काय ये सब के सब गोपियाँ, ये सखा यशोदा नंद सब सब कृष्ण से प्रकाशित होगी। अभी कृष्ण की इच्छा है 7 दिन तक ये ब्रजवासियों को साथ में मैं एकत्रित रह करके मैं उत्सव मनाना चाहता हूँ। वो संभव कैसे होगा जब मैं गिरिराज गोवर्धन धारण करूंगा? नहीं चाहने पर भी जिन ब्रज गोपियों से राधा रानी से मेरे को मिलना बड़ा कठिन होता है, उस समय में सबके सब सामने आ जाएंगे, फिर तो उनको साथ में मैं 7 दिन तक खूब मैं उत्सव मनाऊंगा। कहते ये कारण है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कारण क्या है? बोले सर्वश्रेष्ठ कारण है कृष्ण अभी रास करना चाह रहे हैं, लेकिन अकेले तो रास कर ही नहीं सकते हैं बगैर ब्रज गोपियों के। अभी कृष्ण सोच रहे हैं जैसे उदाहरण दिया, जैसे कि हीरो अगर किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है वो क्या करता है? वो हीरोइन को सामने कुछ बहादुर दिखाएगा, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर देगा, उनके साथ में खूब मारपीट करके सबको भगा देगा। हीरोइन क्या देखेगा? बोले बाबा ये तो बड़ा पहलवान है, वो आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण 2 बहादुरी लीला की, बोले क्या बहादुरी दिखाया? बोले पहला नंबर उन्होंने दिखाया ये गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। अब लोग गए हो गिरिराज गोवर्धन, देखे हो कितने बड़े गिरिराज गोवर्धन, जिसको केवल परिक्रमा करने के लिए 7-8 घंटा लग जाती है, इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन उन्होंने बाम हाथ में उठाया। हम कहते हैं ना ये काम मेरे लिए थोड़ी कोई बड़ी भारी बात है, हम तो इसको उल्टा हाथ में कर सकते हैं। उल्टा हाथ नहीं, कनिष्ठ अंगुल। बोले कनिष्ठ अंगुल नहीं, नख को ऊपर में श्री गोविंद देव श्री गिरिराज गोवर्धन उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की। आपको बोले ना 5 मिनट हाथ को ऐसे कर, हाथ दर्द हो जाएगा। और कृष्ण कितना दिन तक धारण किया? और इतना विशाल गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण कर लिया है, ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए जिसको देख करके ब्रज गोपियां निहाल गई, बोले बाबा रे इतना पराक्रमी गिरिराज गोवर्धन को 7-7 दिन तक दिन रात उन्होंने गिरिराज को उठा लिया। अब इसको देख करके ना इनकी मन प्राण चित्त सब के सब गोविंद चरण में गोपियां सब के सब दे दी। एक बहादुरी। दूसरा बहादुरी क्या किए? कृष्ण ने कालिया का सर के ऊपर नृत्य किया। इसलिए कृष्ण दिखाया कोई गिलास या के ऊपर नाचता होगा, कोई रस्सी के ऊपर नाचते हुए देखेंगे, किसको सर पर कलसी लेकर के नाचते हुए देखेंगे। लेकिन कृष्ण दिखाया, कभी देखे हो सांप के सर को पर नाचते हुए किसको दिखाया?
कालिय का सब फण था, वो एक साथ में सब फणों से कृष्ण को एक साथ में काटना चाह रहा था। एक साथ में कृष्ण इतने तेजी से अपना चरण को चला रहे थे, एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पंचमे, सब फण एक साथ में इतने तेजी से कृष्ण अपना चरण को चला रहे थे, एक से दूसरे, दूसरे से कर रहे थे। वहां पर एकदम नृत्य प्रारंभ हो गई है, जिसमें श्री सूरदास जी गाते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद गट फम 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 फन पऊ पर, पद पद गट फम 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 न बिंग 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 बिनत करत, बिंग 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 बिनत कर नाग बधुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधार, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधार, असन सन 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 का दिक गन 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 गंधर्व गण, सन 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 का दिक गन 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 गंधर्व गण, नाम 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 नारद मुनि, नाम 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 नारद मुनि, सब देत ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधार, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरि, आ बम बम बलिहारी, बम बम बलिहारी। बोले श्री काली रथन भगवान की। इसलिए कृष्ण जब नृत्य कर रहे थे उसी समय में शंकर जी तो सोच रहे थे सबसे बड़े अगर कोई नृत्य करने वाले मैं हूं, क्योंकि शंकर जी का एक नाम है नटराज। लेकिन जब शंकर जी ने देखा मैं तो नटराज हूं, लेकिन इस सर्प के सर को पर मैं किसको नृत्य करते हुए मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए कृष्ण का नाम पड़ेगा नट बर। नट मतलब होता है शंकर जी, बर मतलब शंकर जी का भी जो पति है, ये कौन है, श्री कृष्ण चंद्र है। बोले श्री नटवर भगवान की। इसलिए कृष्ण जब सर्पों के सर पर नृत्य कर रहे थे, इतने में उनका जो पत्नियां थी वो दूर से देख रही थी। अभी उसका मुंह से तो खून की उल्टी होने लग गई। कृष्ण जब एक प्यार रख करके दूसरे प्यार उनके सर पर रखते थे, उसने देखा मेरे को मेरी पत्नियां सही कहती थी, क्योंकि जो काली का जो पत्नियां सबके सब कृष्ण भक्त थी, वो समझाया करती थी, देखो कृष्ण के साथ में बैर मत ठाना करो, ये कृष्ण ये भगवान है। लेकिन काली के मन में बड़ा घमंड था, बोले कहाँ गैया को पीछे पीछे डोलता रहता है, ये भगवान हो गया, ये भगवान भगवान कुछ नहीं, भगवान तो मैं हूं। लेकिन उसका पति या पति सुनता नहीं था, बड़ा अहंकार था हैं। लेकिन इतने में जब कृष्ण काली के सर पर नृत्य कर रहे थे, जब कृष्ण चरण की ठोकर मार रहे थे, काली ने देखा मैंने गरुड़ के साथ में मैंने भी युद्ध किया है, लेकिन गरुड़ मेरा कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन केवल 5-6 साल का बच्चा मेरे सर के ऊपर खड़ा हुआ, ऐसे लग रहा है मानो ये विश्व ब्रह्मांड मेरे सर के ऊपर आ गया, सचमुच से ये भगवान होगा। उसको खून जब उल्टी होने लग गई, पत्नियां सोच रही तो मर जाए तो अच्छा ही। बोले क्यों, बोले एक में तो भजन करता नहीं, और हम जो भजन करते हैं ना इसमें भी बाधा डालते रहता है, और जो भजन करे नहीं और भजन करने नहीं दे, क्योंकि ये जो जीवन हमें किस लिए मिला है, भगवान की भजन के लिए ये जीवन मिला। जीवन तो ठाकुर बारंबार देंगे ही नहीं, ये तो 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिलता है। अगर जिस काम के लिए मिला अगर वो काम नहीं हुआ तब ये शादी वादी करके क्या लाभ है, इससे अच्छा ही ये मरी जाए, ये जिंदा रहकर कोई लाभ नहीं, भक्ति करता नहीं, भक्ति करने देता नहीं। इसलिए हमारे ऋषभ देव अपना बच्चों को कहते हैं, वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही भाई भाई है, वही बंधु बंधु है, हम जो जन्म मृत्यु का चक्कर में जो पड़े हैं इससे हमें जो निकाल ले, हमें जो भगवान की भजन की उपदेश दे। बोले सही से परम बंधु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता, वही माता पिता सही पिता माता जो भगवान के चरण में हमें
लगा दे, जो प्रेम भक्ति को प्रदान करे। इसलिए कालिया सोच, कालिया नाग पत्नियां सोच रही थी मर जाए तो अच्छा ही, ऐसे पति रहना नहीं रहना। इसलिए कहते ना, जिनके प्रिय ना राम वैदे ही, तेजी कोटि वैरी समझ यद्यपि परम सनही है। यद्यपि ये गोस्वामी तुलसीदास जी मीरा को पास में ये लेटर लिख रहे, मीरा गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखे, बोले तुलसीदास जी अभी बता मैं अभी क्या करूं। बोले क्यों? बोले एक तो परिवार में कोई भक्ति करते नहीं और हमें कोई भक्ति करने भी नहीं देते, पति देवर जेठ ननद सब विरोध है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्यार लिख करके मीरा को पास में भेजे, बोले जिनके प्रिय ना राम वैदे ही, तेजी कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेह। भले ही परम स्नेह की पात्र क्यों नहीं हो, जिनका प्रिय राम और सीता नहीं, उनकी करोड़ शत्रु मान करके त्याग दो। बोले कोई प्रमाण है? तब उन्होंने एक एक कर प्रमाण देते हैं। बोले तेज तो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपना पिता को त्याग दे दिया। बोले क्यों? खुद तो भक्ति करता नहीं और इनको भक्ति करने नहीं देता है। और भाई श्री विभीषण, उन्हें रावण को उन्होंने त्याग दे दिया। बोले मैया को, बोले भरत ने अपना मैया को त्याग दिया। जब भरत को पता चला मेरी माँ की वजह से मेरे प्रभु और राम लक्ष्मण ये वनवास चले गए, भरत इतने बिगड़ गया। बोले राम भैया अगर नहीं असंतुष्ट होते ना, तेरा सर मैं अभी काट देता, हाँ तेरे सर को मैं आज काट देता, लेकिन केवल भैया की वजह से मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आज से मैं तेरे को कभी मैया नहीं बोलूँगा। इसलिए भरत हर समय बोलते थे महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी बोलते थे। और गुरु को त्याग नहीं देनी चाहिए, लेकिन बलि महाराज ने क्या किया, उनने अपना गुरु को त्याग दे दिया। बोले क्यों? बोले भगवान के भजन में दान के लिए मना करते हो, दान के लिए मना कर रहे हो, ऐसे गुरु की कोई जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पर जब उनको नाग पत्नियां जब ऐसे सोच रही थी, लेकिन इतने में देखा जब उसका मुंह से खून उल्टी होने लग गई, अभी उसका बुद्धि ठिकाना में आ गया। बोले लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ अभी। इतने में उसका मन में उन्हें ठाकुर जी के चरण में उन्होंने शरणागत हो गया। बोले प्रभु मेरे को बचाओ, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे को बचाओ। पत्नियां दूर से देख रही थी, जब देखा उसका पति का मन अभी बदल गया है, मतलब अभी कृष्ण चरण में शरणागत हो गया है, अभी वो सोच रहे हैं ऐसे पति रहनी चाहिए, ऐसे पति रहनी चाहिए। क्योंकि उनको जो नाग जो पत्नियां थी वो देखने में बड़ी सुंदर थी। अगर किसकी पत्नी बड़ी सुंदरी हो और कम उम्र में अगर उसको पति मर जाए, फिर क्या होगा? दूसरे व्यक्ति उसको ऊपर में बुरी दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए अभी वो सोच रहे हैं हम तो देखने में बड़ी सुंदरियां हैं, अगर हमारे पति तो भक्त बन गया, कृष्ण चरण में शरणागत हो गया, अगर पति अगर भजन करता है, फिर तो दोनों एक साथ में प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए ऐसे पति रहना जरूरत है। इसलिए फिर नाग पत्नियां आकर के भगवान को बड़े सुंदर सुंदर स्तुति करने लग गए, बच्चों को सामने रख करके। तो यहाँ प्रश्न होता है, ये कालियो नाग तो इतना खल स्वभाव का, बड़ा दुष्ट था, बड़ा घमंडी था, पर इसके हृदय में ये भक्ति की भावना जगी तो जगी कैसे? बोले कारण बताए, उनकी जो पत्नियां थी कृष्ण भक्त थी, बीच बीच में वो लोग कृष्ण कथा सुनाया करते थे अपना पति को, पति तो सुनता नहीं था लेकिन उनकी पत्नियां उनको कृष्ण कथा सुनाया करती थी। जब कृष्ण कथा सुनती थी मानो उसका हृदय में ये बीज बो गया, लेकिन बीज तो बोए लेकिन जो भूमि ना वो उसर भूमि, वो उसर भूमि तो बीज बो तो विकृत होगा नहीं, लेकिन जब कृष्ण नृत्य किया भगवान के चरण, जब गोविंद देव का चरण पड़ा भगवान के चरण किया है, बोले अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय, भगवान के चरण में अशोक है अभय है, भगवान के चरण में ये अमृत, ठाकुर जी की चरण में। इसलिए ठाकुर जी की चरण पड़ते ही मानो जैसे पानी देने का काम हो गया, और धीरे धीरे अंकुर, फिर दो पत्ते, फिर धीरे 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 उसमें टहनिया और बड़ी सुंदर कृष्ण भक्ति लता आ गई। हैं इतने में
फिर तो उनको पत्नियों ने जब स्तुति स्तव की, ठाकुर जी ने कहा देखो तुम लोग मेरे परम भक्त हो, तुम्हारे पति को मैं कभी नहीं मारूंगा क्योंकि तुम लोग भजन करती हो। लेकिन इसके अंदर में जो घमंड था ना, ये घमंड तो मैं दूर कर रहा था, इसलिए जाओ तुम्हारे पति को मैंने प्राण दान देता हूँ। इतने में काली अभी भगवान का भक्त बन गया। बोले प्रभु आप जैसे कभी कभी गरुड़ जी को पीठ के ऊपर बैठ करके जाते हो, मैं भी एक मुहूर्त में करोड़ जोजन तक में गति कर सकता हूँ, इसलिए कभी कभी मेरे को भी अपना वाहन रूप में कभी स्वीकार करना। भगवान उसको एक रूप में तो उसको भेज दिया रमण के दीप, और दूसरे स्वरूप में उनको अपना गोलोक वृंदावन में, जब ठाकुर जी जल विहार करना चाहते हैं यमुना में, कालिया को बुला देते हैं और उसका सर पर बैठ करके ठाकुर जी जल विहार करते हैं। कहाँ पर? यमुना में जल विहार करते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले कालिया नथन भगवान की, जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए कृष्ण दो लीला की, कौन सा लीला की? बोले एक तो उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठाया और दूसरा उन्होंने कालिया का सर को ऊपर में ठाकुर जी नृत्य किया। ये दो चीज लीला देख करके जितने ब्रज गोपियां थी वो सब के सब कृष्ण के चरण में आकृष्ट हो गए। फिर भगवान की रासलीला की प्लेटफॉर्म बन गया, इसलिए अभी हम भगवान का रासलीला श्रवण करेंगे। हाँ नहीं अभी क्या हुआ सुनो। फिर कृष्ण जब इंद्र पूजा बंद कर दिया, इंद्र देखा हर साल तो ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे लेकिन इस बार तो कोई पूजा पूजा की कोई नाम गंध तक भी नहीं। एक दूत को भेजा, भैया देख करके आओ क्या कर रहे हैं। दूत ने देखा इंद्र के लिए जितने लड्डू कचौड़ी मालपुआ दाल बाट चूरमा सब बनाए थे ना, और पोष बड़ा बनाए थे हैं, उन्होंने सबके सब ले करके उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की, कृष्ण सबको लेकर गिरिराज की पूजा कर रही। उन्होंने जा करके बोल दिया महाराज इंद्र और जितने तुम्हारा लिए सब बनाया था ना, ये कृष्ण सबको बहका दिए और बहका करके और सबको ले करके ये पत्थर की पूजा करवा रहे हैं, हाँ एक पहाड़ की पूजा करा रहे हैं। इसको सुन करके इंद्र को तो इतने क्रोध आया, कृष्ण को तरह तरह से गाली गलौज करने लग गया। बोले ये ब्रज को मैं सत्यानाश कर दूंगा। 19 संबर तक मेघ 49 पवन को बुलाई, बोले ऐसे मूसलधारा से बारिश करो, ऐसे ओले गिराओ जैसे मानव ब्रज में प्रलय आ जाए। और ऐसे ब्रज में प्रलय आ गया ब्रज में, जितने ब्रजवासी थे। बोले देख कृष्ण तेरे बात सुन करके हमने तो इंद्र पूजा कर पूजा उन्होंने किया, देखो ये इंद्र क्या सब गड़बड़ी कर रहे। बोले कोई चिंता मत करो, हमने गिरिराज की पूजा की, चलो सारे सामान को लेकर के हम गिरिराज की तलहटी में जाते हैं, गिरिराज जी हमें अपना शरण में स्थान देंगे। जैसे एक छोटा बच्चा छतरी उठा लेता है ऐसे ही कृष्ण बाम हाथों में श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सबके सब गिरिराज की तलहटी में आ जाओ। मैया जसोदा बारंबार कान्हा को मक्खन खिला रही थी, भूख नहीं लग जाए, हाथ को मालिश कर रही थी हाथ दर्द नहीं हो जाए, और जितने सखा लोग थे सबके सब लठिया लेकर लगा दी। बोले कन्हैया तो कब तक ये गिरिराज को उठाओगे, थोड़ा तो चुस्ती ले लो, हाथ थोड़ा नीचे कर दो। कृष्ण ने कहा तुमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्यों? तू क्या अकेला मैया का दूध पिया? हमने मैया के दूध नहीं पी, हम भी मैया के दूध पी रखी, इसलिए हाथ नीचे कर दो। जब उन्होंने कृष्ण हाथ को नीचे करने लगे, वो जो गिरिराज गोवर्धन धीरे 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 नीचे आने लगे, जो डंडा लगा कर रखे थे ना सब टूटना शुरू हो गया। इतने में सखाओं ने कहा कन्हैया हमसे ये गिरिराज नहीं उठेगा, तू ही गिरिराज को उठा ले। इसलिए सबके सब गिरिराज उठा करके कृष्ण के मुखार बिंद को दर्शन करते हुए बड़े आनंद से वहां पर नृत्य कीर्तन गान चल रहा था। बोले आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज
सबके सब आनंद ले रहे थे। अभी इंद्र ने 7 दिन तक पूरा जी जान लगा दी। 7 दिन बाद में एक दूत को भैया भैया देख करके आओ, ब्रज का क्या स्थिति है। एक तो केवल ऊपर ऊपर देख करके चला गया। बोले महाराज इंद्र, एक चिट्ठी तक भी ब्रज में नहीं, सब खत्म। इंद्र दूसरों को भेजा, भैया तू देख करके आ। दूसरे जब नीचे आया देखा ब्रज में एक चिट्ठी तक मरे नहीं। वहां पर तो ब्रजवासी लोग बड़े आनंद ले रहे थे। सोच रहा था इंद्र ब्रज में कोई बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ेगी। बोले विपत्ति नहीं, वहां पर तो संपत्ति है। कृष्ण सबको लेकर के आनंद ले रहे थे। जब उसने वापस गया, बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या तेरा सत्यानाश है। बोले मतलब, बोले जिसको तू साधारण बालक समझ रहा था ना, वो तो कनिष्ठ अंगुल में गिरिराज गोवर्धन को उठा करके रखा और सारे ब्रजवासी आनंद पूर्वक नाच रहे थे, गा रहे थे। वहां पर तो उत्सव मच रहा था। इंद्र ने देखा, फिर ये बालक है कौन। जब ध्यान लगा करके देखा,
ये बालक तो मेरे प्रभु है, जिसने कृपा करके ये इंद्रपद को वामन अवतार में उन्होंने बलि महाराज से लेकर के मुझे दिया था, ये तो मेरे प्रभु है स्वयं। फिर तो इतने डर गया, सोचा मेरा इंद्रपद ही गया। अभी जब उन्होंने इंद्राणी को साथ में अमरावती में जब विश्राम करने के लिए गया, उसको नींद नहीं आई। फिर उन्होंने अपना गुरु बृहस्पति के पास में गया। बृहस्पति ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले चलो पितामह ब्रह्मा जी को पास में। जब ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले तुमने सर्वनाश कर दिया। ये जो कृष्ण अवतार है ना, वो ऐसे एक अवतार है, इन्होंने किसी की घमंड को नहीं रखा, सारे देवता को घमंड को उन्होंने चकनाचूर किया। मेरा भी ऐसे अभिमान हो गया था, मेरा भी ब्रह्म पद भी चला गया था मेरा। बोले आपको भी चला गया था? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले मैंने जब कृष्ण की बछड़े और सखा को चुराया था, कृष्ण ही मेरे ब्रह्म पद को दखल कर लिया। और मैं जब जा रहा था अंदर में, मेरे जो नौकर लोग थे ना, डंडे लेकर के मेरे को भगाए। बोले हमारा प्रभु तो अंदर में बैठ, तू कहाँ से आ गए? मेरे को भी बड़ा नाक रगड़ना पड़ा। बोले फिर क्या किया जाए? बोले चलो हम सुरभि गाभी की शरण में जाते हैं, क्योंकि इनका नाम गोपाल है। गोपाल मतलब क्या? जो गौओं को जो पालन करने वाले प्रभु, कहते हैं नमन ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ये गो और ब्राह्मणों के हित करने वाले ये गोपाल देवता है, इसलिए इनको चलो सुरभि गाभी की शरण में चलते हैं। जब सुरभि गाभी की शरण में गए, तो उन्होंने सुरभि गाभी के अनुगत्य में भगवान कृष्ण के पास में आए और भगवान के चरण में माफी मांगी। भगवान का इंद्र, तेरे अंदर में बड़ा अभिमान आ गया था, तू सोच रहा था स्वर्ग का तू राजा और ये ब्रजवासी मेरे प्रजाएं, तेरे अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ये सब लीला की। देखो जस्य अहम अनुगृह्णामि हरि से तद् धनौषधे, मैं जिसको पर कृपा करता हूँ ना, वो सारे अभिमान को मैं तोड़ देता हूँ, धन दौलत सब को मैं हरण कर लेता हूँ। जब हरण कर लेता हूँ, फिर उसका सज्जन बंधु उसको सबके सब थुत्कार देते हैं और लास्ट में मेरा शरण में वो आता है। इसलिए तुम्हारी अभिमान को दूर करने के लिए ये लीला की, खबरदार कभी घमंड नहीं करना। बोले प्रभु माफ कर दो। फिर भगवान को अभिषेक करवाए और ठाकुर का एक नाम उन्होंने गोविंद नाम रखे। बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले श्री भगवान गोविंद देव की जय। इसलिए ठाकुर जी जब उन्होंने ये लीला को समाप्त की, अभी गोपियों ने छोटी छोटी ब्रज में गोपियों ने एक महीना तक उन लोगों ने कात्यायनी पूजा की। बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कद इसी मंत्र में एक महीना तक गोपियों ने, कितने बड़ी बड़ी गोपियां हैं, बोले 3 साल के 4 साल के 5 साल के एकदम छोटी छोटी गोपियों हैं। अभी प्रश्न आता है ये क्या प्रार्थना कर रही हैं? बोले हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिन्नधीश्वरी, अगर आप हम लोग के ऊपर प्रसन्न होती हो क्या करो? बोले नंद के जो लाला जो कृष्ण कन्हैया, ये हमारी पति बन जाए। तो यहाँ पर प्रश्न होता है, जिनकी उम्र 3, 4, 5 साल की, भैया उनको क्या पति पति क्या, उनको क्या पता है? उनको तो पता ही नहीं, इतने छोटे छोटे बच्चे को थोड़ी पति क्या होता है, शादी क्या होती है, उनको थोड़ी बात पता है। तब फिर इन लोगों ने कृष्ण को पति रूप में प्रार्थना क्यों की? कहते इनको देखने के लिए लगता है सब छोटी, लेकिन खोटी सबके सब है। बोले ये सब कौन है? बोले ये सब के सब पूर्व जन्म में इन लोगों ने कठोर तपस्या करके गोपी बन करके आए। जब भगवान राम दंडकारण्य में गए, ये गोपियाँ सबके सब पूर्व जन्म में बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे, गोपाल मंत्र में भगवान को आराधना कर रहे थे, लेकिन इनकी भजन में कोई उत्साह नहीं आ रहा था। लेकिन जब प्रभु राम वहाँ पर पहुँचे और वो जो मंत्र था भगवान कृष्ण, ये गोविंद देव का मंत्र था, लेकिन कृष्ण और राम तो एक ही। अभी राम को देख कर उनको श्याम की याद आई और उन लोगों ने कृष्ण को पति रूप में प्रार्थना की। कृष्ण राम ने कहा देखो
ये अवतार में तो मैं सीता सिवाय और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग सब वृंदावन में सब गोपी बन करके आओ और तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। वो जितने सबके सब थे गोपी बन करके आए। कहते जो वेद का जो मंत्र था, ये लोग भी भगवान की कठोर तपस्या की, जब भगवान संतुष्ट हो गए बोले बर मांगो, बोले प्रभु गोपियों ने जैसे तुम्हारी भजन की हमें ऐसे गोपी भाव चाहिए। गोविंद देव बोले नहीं ये असंभव है, और कोई चीज प्रार्थना करो। बोले नहीं हमें तो केवल गोपी भाव से आपकी आराधना करना चाहते हैं। बोले ठीक है, सबके सब द्वापर युग में तुम गोपी बन करके द्वापर युग में आओ। ये सबके सब गोपी बन करके ये सबके सब आई है। कहते जब भगवान रामचंद्र जब गए थे कहाँ पर, जनकपुरी में भगवान राम गए, इतने में गुरु जी को बोले गुरु जी ये लक्ष्मण राम भगवान बोले ये लक्ष्मण की इच्छा है थोड़ी सी ये जनकपुरी दर्शन करके आए, इसलिए अगर आपका आदेश हो थोड़ी सी जनकपुरी दर्शन करके आए। बोले दर्शन करना नहीं, सबको दर्शन दे करके आओ। अभी जब भगवान ने वहाँ पर जब गए राम और लक्ष्मण, इतने सुंदर थे ठाकुर जी, अभी जिस गली में जाए ना उसी गली में हला हो जाते हैं। बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री राम लक्ष्मण की। अभी सबके सब झरोखे से दर्शन कर रहे थे, कोई छत के ऊपर से दर्शन कर रहे थे प्रभु जी के रूप को, और जो झरोखे से दर्शन कर रहे थे वो तो ठाकुर का दर्शन कर रहे थे, लेकिन जो छत के ऊपर जो खड़े थे ना वो ठाकुर को ठीक से दर्शन नहीं हो रहा था। क्यों? भगवान राम का एक स्वभाव था, वो कभी सर उठा कर कभी किसी को नहीं देखते थे, हर समय सर को नीचा करते हुए चलते थे। इतने में जो ऊपर सब सखियां खड़ी हुई थी ना, प्रभु तो सर को नीचा करके चल रहे थे, इतने में देखा प्रभु का दर्शन कैसे हो। उन लोगों ने था खासे सोचे प्रभु थोड़ा सर ऊंचा करके दर्शन होगा, लेकिन राम ऊपर दिखे ही नहीं, पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। बोले लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण गुरु है। बोले गुरु का काम क्या है? बोले जीव को भगवान को साथ में मिलाना, ये गुरु का काम है। इतने में लक्ष्मण, ये जीवाचार्य लक्ष्मण है। बोले प्रभु आपका जो भक्त लोग देखो ये छत के ऊपर खड़े हुए हैं, आपको दर्शन करना चाहते, थोड़ा सर ऊंचा करो। भगवान राम बोले लक्ष्मण ये जनकपुरी मायापुरी है, खबरदार इधर उधर मत देखा करो, सर नीचा करके सीधा चलो। लेकिन जब और थोड़ी देर फिर उन्होंने खासे तो फिर लक्ष्मण प्रार्थना की, बोले ठाकुर जी एक झलक दर्शन दे दो। हाँ, इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दया माय न पामर प्रति हवे न सदाय, वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दया माय न पामर प्रति हवे न सदाय, दीनो देर निवेदन वैष्णव चरणी पकड़ी संगे लीनोर निवेदन वैष्णव चरणी। सब मिट्टी मिट्टी ताली बजाते हुए, सब ताली बजा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
आगे आगे आ जाओगे, जब पीछे आएंगे ना सब बैठ जाएंगे। अभी तो ठंडा का समय है, थोड़ा सा पास पास में बैठ सकता हूँ। थोड़ी थोड़ी माता है, थोड़ी थोड़ी सरकाओ, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ। कोई खिसकना नहीं चाह रहे, बर्फ जैसे जम गए लगता है, लगता है बर्फ जैसे जम गए। अरे तुम लोग आगे हो जाओ, एकदम आगे हो जाओ, आगे आ जाओ। सब हमारे भाई लोग भी आगे आ जाओ, और थोड़ी आगे आ जाओ। हरी बोल हरी बोल, हरी 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 बोल, 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 हरी बोल हरी बोल, हरी 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 बोल। वृंदावन में सेवा कुंज में दान गली में मान गली में कुंज गली में बल बरसाने में बल साकरी कोर पे बल चिकली में गर में मान गर में बल बिलास गर में अश्री की कुछ पे बल राधे 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 राधे। प्रेम से बोलो, ताली बजा के, ताली बजा के, ताली बजा के, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आवाज ना आए, आगे बोले, पीछे बोले, भैया बोले, कंपनी बोला, अरे मुंह तो खोलो, अरे मुंह तो खोलो, अरे मुंह तो खोलो, मुंह तो खोलो, अरे 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 वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की। हाँ देखो, भक्त मनोहर ठाकुर कहते हैं जब हम डायरेक्ट भगवान को प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन जब हमारे हो करके गुरु जी और वैष्णव लोग जब ठाकुर जी को प्रार्थना करते ठाकुर जी आप ये जीव को ऊपर में कृपा करो, तब ठाकुर जी कृपा करते हैं। तभी ठाकुर जी हमारे ऊपर जब जब श्री लक्ष्मण ने जीव की हो करके ठाकुर जी को प्रार्थना करा, ठाकुर जी अपना भक्तों को थोड़ा दर्शन दो, इतने में भगवान राम थोड़ा सर ऊपर उठाए।
सौर ऊंचा करते ही जब जनकपुरी के जो गोपियां थी सबके सब जब दर्शन की, दर्शन करते ही सबके सब बेहोश हो गए। जब उनको होश आए ना, सब राम को पीछे पड़ गई, बोले प्रभु हमसे ब्याह कर लो, हमसे शादी कर लो। राम ने बोले लक्ष्मण तेरे को पहले बोल रहा था, मना कर रहा था, तू मानी नहीं ना, तो तू ब्याह कर सबसे। इतने में भगवान राम बोले देखो ये कृष्ण रामावतार में तो मैं सीता के सिवाय और किसको मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम सबके सब द्वापर जी को गोपी बन करके आओ। ये सबके सब गोपी बन करके आए हैं। और जो स्वर्ण सीता भगवान राम 11,000 साल तक उन्होंने अयोध्या में राजत्व की, लेकिन सीता को तो वन में भेज दिया। वशिष्ठ जी ने कहा देखो तभी यज्ञ कर सकते हो जब पत्नी तुम्हारे साथ में हो, पत्नी के बगैर आप कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हो। बोले सीता को तो वनवास में भेज दिया। बोले तेरे पिताजी का तो भी 3 शादी थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तू और एक शादी कर ले। बोले नहीं, मैं सीता के सिवाय और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए सीता ही मेरी प्राण प्रिया है, इसलिए और कोई व्यवस्था करो। बोले क्षत्रियों के लिए और एक नियम बताए, सोने की सीता बना करके अपना बाम पार्श्व में रख करके आप यज्ञ कर सकते हो। बोले वो कर सकता हूँ। हर साल एक एक सीता बनाते थे और वशिष्ठ उनको प्राण संचार करते थे, जब प्राण देते थे पूरा सीता बन जाती थी। बोले इतने सीते सब गए कहाँ, ये सब के सब द्वापर युग में सब के सब ये गोपी बन करके आए। देखो हमारा जो कृष्ण ये जो गोविंद देव है ना, बड़े दयालु, बड़े दयालु गोविंद देव, इन्होंने किसी को छोड़े नहीं। भगवान राम सबको नहीं स्वीकार किया सीता के सिवाय, लेकिन हमारे गोविंद देव कुबड़ी आ जाए उसको भी ग्रहण कर दिया, और कुबड़ी को ग्रहण कर दिया, सुपर्णखा को भी उन्होंने उसको भी ग्रहण कर लिया, और जिन जिनियों को राम ने ग्रहण नहीं किया ठाकुर जी हमारे गोविंद देव सबको ग्रहण कर लिया। शिक्षा देते हैं ये गोविंद देव ऐसे के ठाकुर है, बस किसी तरह से उनको शरण में आ जाओ और एक बार बोल दो गोविंद आप मेरे हो और मैं तेरा हूँ, इतना बोल दो गोविंद देव आपको ग्रहण कर लेते हैं। बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले श्री गोविंद देव की जय। इसलिए यहाँ पर जब गोपियों ने 1 महीना तक व्रत की, ठाकुर जी प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। बोले मैं शरद पूर्णिमा की जो रास में तुम सबको मैं आह्वान करूंगा और तुम्हारे साथ में मैं रास करूंगा। एक दिन ठाकुर जी एकदम चंद्रमा का किरण छिटक रहा था, इतने में ठाकुर जी अपना झरका खोल करके जब चंद्रमा को उन्होंने दर्शन किया, देखा तो चंद्रमा को लेकिन राधा रानी की जो पूर्ण जो मुख चंद्र उनकी स्मरण हो आया। जब स्मरण हो आया गोपियों का जो वरदान को याद करते हुए ठाकुर जी बंसी बैठ को नीचे ठाकुर जी आए और खड़े होकर के उन्होंने सुंदर उन्हें बंसी ध्वनि की। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जब रासलीला वर्णना कर रहे हैं, जब कोई उन्होंने रस लीला को उन्होंने वर्णना किया, कोई रसिक लीलाओं को, उसी समय में उन्होंने सबको सावधान भी कर दिया। क्या सावधान करते हैं, बोले भगवान अपि तारात्री शरद उत्फुल्ल मल्लिका बिक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग मायांग मुपाश्रिता। कहते रास रचया कौन है, बोले गोविंद देव भगवान है, ये कोई जीव रास नहीं कर सकता है। कोई कोई कहता है ना, क्या केवल गोविंद देव ही गोपियों को लेकर नाच सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम भी गोविंद देव जैसे नाच करेंगे, हम भी गोपियों को लेकर के हम भी ऐसे कुछ गोपियां बना लेंगे, हम भी गोपियों के साथ में हम भी नृत्य कीर्तन करेंगे। बोले नहीं, इसलिए गोविंद देव कौन, बोले भगवान है, ये ठाकुर है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का ये मालिक है। कृष्ण कितने गोपियों को साथ में रास किया आपको पता है, कहीं आता है 100 करोड़, कहीं आता है 300 करोड़, इतने गोपियों को साथ में प्रभु नाच की, और हर गोपियां देख रही थी हमारे साथ में कृष्ण, हमारे साथ में कृष्ण, हमारे साथ में, हर गोपियां ये अनुभूति कर रही थी सबको साथ में कृष्ण एक एक रूप में विद्यमान थे। लेकिन इसी दुनिया में हैं, आप लोगों ने शादी किया हो, कौन कौन शादी किया, हाथ उठाओ, तो सब शादी किया हो, आपको पता होगा एक स्त्री को पालन करना कितना कठिन है। अब संसार कर रहे ना, एक स्त्री को संभालना कितना कठिन। एक समय एक लड़की शादी होकर के अपना ससुर घर में जा रही थी,
आपको पता होगा जिस समय लड़की की शादी होकर के ससुर घर जाती है ना, बहुत रोती है, बहुत रो रही थी। परिवार समझा रहे थे, बेटी मत रोया करो, तो बीच बीच में आ जाना, हम भी बीच बीच में तुम्हारे घर में आएंगे, रोने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। इतने में पत्नी ने कहा, क्यों इतना रो रहे हो, चुप हो जा। वो कह रही है, जीवन में पहला बार मैंने रो लिया, आज से मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो जाएगा। अजी अभी तू जिंदगी भर तू रोगे, अब मैं नहीं रोऊंगा, तू भी जिंदगी भर रोना है। आप लोग सबको पता होगा संसार में संसार को चलाना कितना कठिन, आप सबको पता होगा। इसलिए एक पति को पालन करना कितना कठिन है आपको पता होगा। और घर में अगर दो पत्नी हो जाए ना, फिर देखो घर में नाटक क्या होता है। दिन भर महाभारत चलती, दिन भर महाभारत। एक समय एक व्यक्ति का दो पत्नी थी, अभी रोज घर में लड़ाई, रोज घर में झगड़ा। पति काम करते करते थक करके सोचता है, शाम को जाऊं पत्नी थोड़ी मीठी मीठी बोली बोलेगी, पास में बैठा घर का रोटी खिलाएगी, पंखा झुलाएगी, पंखा क्या झुलाएगी। घर में रोज महाभारत, दोनों बोले उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, इतने लड़ाई झगड़ा। बोले बाहर भी दुख, घर में भी दुख। इतने में सोचा इनके लिए दो मंजिली मिला देता हूँ, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी तो शांति रहेगी। लेकिन जो नीचे रहती है ना, जब पति बाहर से काम करके आता है, पहले से ही रोटी सब्जी बना करके गर्म पानी बना कर रख देती, और पति को देखते ना जोर जबरदस्ती पकड़ करके नीचे ले जाती। और जो ऊपर रहती दिन भर परेशानी। एक दिन जो ऊपर रह रही थी इतने बिगड़ गई, बोले रोज की नाटक है, बोले आज मैं मजा चखाऊंगी। वो भी रोटी सब्जी बना करके नीचे उतर करके आ गई। अब पति जब काम करके बाहर से आए, बोले रोज रोज नीचे चले जाते हो, मैं ऊपर रह जा देखते रह जाती, ऊपर चलो पकड़ करके वो खींच करके ले जा रही थी। जो नीचे थी ना, बोले कहाँ जा रहे हो, मैं भी तो रोटी पानी बना कर बैठी हूँ। एक तो हाथ पकड़ कर खींच रहे और एक टांग पकड़ रही, अभी एक हाथ और एक टांग, अभी कोई छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इतने में घर में एक चोर चोरी करने के लिए आया था, वो चोरी क्या करेगा, नाटक दिखना शुरू कर दिया। बोले ये क्या हो रहा है। बड़े देर में जब इनकी झगड़ा खत्म हुई, बोले घर में चोर घुसा हुआ, पकड़ कर पुलिस को पास में ले गई। पुलिस कहती है इसको क्या सजा दिया जाए। वो कहता है जो सजा दोगे सब सजा लेने के लिए मैं तैयारी, लेकिन मेरे घर में दो बीवी नहीं होनी चाहिए। हमने देख लिया दो बीवी होने से घर। और भगवान कृष्ण जब द्वारका में गई, कितने पत्नियां कृष्ण की थी, 16108। एक दिन नारद जी आश्चर्य में पड़ गई, बोले घर में अगर दो पत्नी हो, रोज महाभारत होता है, इतने रानी को कैसे कृष्ण संभाल रहे हैं। एक दिन नारद जी द्वारका में पहुंचे, पहले उन्होंने रुक्मिणी को घर में प्रवेश किए, प्रवेश करते ही ठाकुर उनको स्वागत करके ले गए। बोले नारद जी आप तो बड़े दिनों में आए हो। तब उनको बैठा करके चरण धोए, पूजा की। उस समय कृष्ण यज्ञ कर रहे थे। जब वहां से विदा लेकर के सत्यभामा को घर में प्रवेश किया, वहां पर देखा ठाकुर जी बच्चों को लेकर पढ़ा रहे थे। यहीं से विदा दिया, दूसरे महल में गए, वहां पर कृष्ण कह रहे, बोले नारद जी आप तो बड़े दिनों में आए। बोले बड़े दिनों में किया, अभी तो आपने विदाई दिया, आप बड़े दिनों में किया। फिर जब वहां से फिर उन्होंने पर मित्रम विद्या जी को घर में गए, देखा ठाकुर जी वहां पर बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं, वहां पर चौकट पासा खेल रहे थे। अभी और जिन जिनियों को घर में गए, कृष्ण को अलग अलग रूप में देखा, एक नहीं देखा, हर घर घर में भगवान कृष्ण, ये गोविंद तो घर घर में देखा। नारद तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए अगर हमारे सारे इच्छाओं को कोई पूरी कर सकते हैं ना, ये केवल गोविंद देव ही पूरी कर सकते हैं, और कोई नहीं पूरी कर सकते। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। इसलिए यहाँ पर कहते बोले भगवान अपि तारात्री। ये रास रचया कौन है, ये भगवान, ये कोई जीव नहीं है, ये कोई जीव नहीं। इसलिए कुछ कुछ लोग भगवान के ऊपर कटाक्ष करते हैं। क्या कटाक्ष करते हैं बताने, ठाकुर जी ये गोपियों के प्रेम में पागल हो गए और गोपियों को लेकर उन्हें नाचना चाहे। कुछ लोग उनके ऊपर में कटाक्ष करते हैं। ये भागवत का जो सर्वप्रथम टीकाकार हुए एक श्रीधर स्वामी, बहुत बड़े विद्वान हुए, वो कहते हैं ये जो रास लीला है ये काम विजय लीला है। भगवान काम को पर विजय प्राप्त किया ये लीला है। तो उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाई। एक दिन कामदेव के मन में बड़ा घमंड आ गया, बोले मैं सारा दुनिया को हाथ का मुट्ठी में मैंने बना दिया। बोले किसको, बोले भोले बाबा जो सत्यम शिवम
सुंदरम, बड़े अभिमान करते, जोगी जोगी महाजोगी, छक्का छुड़ा मैंने दिया। बोले कैसे? बोले जिस समय भगवान मोहिनी अवतार लिया था सारे देवता थे लेकिन भोले बाबा नहीं थे। भोले बाबा को पता चला ठाकुर जी मोहिनी रूप लिया था और इतने सुंदर स्त्री रूप धारण किया था, पृथ्वी में ऐसे सुंदर स्त्री कोई होती ही नहीं, इतने सुंदर स्त्री रूप। अभी शंकर का मन में भी थोड़ा लोभ हो गया, भैया मैं तो वंचित हो गया, ठाकुर का मोहिनी रूप देख नहीं सका। एक दिन शंकर जी गोविंद देव के पास में आए, बोले ठाकुर जी मेरे को थोड़ा वो रूप दिखाओगे? बोले कौन सा? बोले वो रूप। बोले कौन सा बता? बोले वो रूप। बोले कौन सा? बोलो। बोले आप, मैंने सुना आप क्या समुद्र मंथन का समय में आप एक महीन रूप धारण किया था? बोले हाँ। बोले वो रूप थोड़ा दिखा दो। बोले देखो शंकर जी, वो जो रूप है ना वो कामियों को राक्षस को मोहित करने के लिए, और वो रूप ऐसे था ना तुम ये रूप को देखकर संभाल नहीं सकते हो। बोले प्रभु क्या कह रहे हो? जोगी जोगी महाजोगी मैं हूं, सत्यम शिवम सुंदरम देव देव महादेव, क्या कह रहे हो? किसको कह रहे हो? चिंता मत करो। भगवान बोले कोई चिंता मत करो, दिखा दूंगा। एक दिन शंकर जी जंगल में पार्वती को गोद में लेकर बैठे हुए, और पार्वती बहुत ही सुंदरी मृग नहीं है, और त्रिशूल को गाड़ करके बैठे हुए। ठाकुर जी इतने में एक सुंदर झाड़ी से जैसे दिन में जैसे कोई चंद्रमा प्रकट हो जाए, इतने में गोविंद देव ने महीन रूप धारण किया और एक गेंद को उचालते हुए प्रकट हुए। शंकर जब देखा ना पार्वती बड़ी सुंदरी गोद में बैठी, भूल गए पार्वती गोद में बैठी हुई, और वो महीन रूप थोड़ी सी इशारा किया। इशारा करते ही शंकर जहाँ त्रिशूल गाड़ देते हैं ना वहां से शंकर जी कहीं नहीं जाते, पार्वती को फेंक दिया गोद से है, और वो मोहिनी को पीछे भागे। इतने में मोहिनी को पकड़ लिया, देखा मोहिनी है नहीं और कहीं, पूरा जंगल में नंगे करके शंकर जी के सारे वस्त्र फस्त्र कहीं, डंबरू कहां और उनका त्रिशूल कहां गिरा कोई पता नहीं, नंगे होकर घूम रहे। थोड़ी देर बाद में शंकर को याद, बोले ये क्या मैं नंगा अगर घूम रहा हूं? शंकर जी सोचा शायद मेरे को किसी ने देखा नहीं। इतने में शंकर जी चुपचाप आकर बैठ गए। इतने में भगवान प्रकट हुए, बोले क्यों? बोले बाबा क्या बात है क्या बात है? इतने में शंकर जी लज्जित हो गए, बोले प्रभु सचमुच से आपका जो महीन रूप है ना अद्भुत रूप है। हाँ मैं दुनिया को ये कह सकता हूँ, कुछ कुछ मेरे भक्त होते हैं जो भोले बाबा की भक्त होते हैं, कहते भोले बाबा से दुनिया में कोई भोले बाबा से बड़े नहीं। मैं दुनिया को ये बता सकता हूँ मैं स्वयं श्री गोविंद देव का माया में मुक्त हो गया। हाँ किसकी माया में? भगवान की दो माया है, एक बहिरंगा और एक अंतरंगा माया, दो माया ठाकुर जी की। लेकिन बहिरंगा माया में नहीं, ठाकुर का जो अंतरंगा जो अपना माया में बहित तो हुआ हूँ, इसलिए मैं दुनिया को ये बता सकता हूँ ठाकुर जी की माया की कितने चमत्कारिता है। इसलिए कामदेव क्या सोच रहे हैं, मैंने शंकर जी का भी घमंड को तोड़ दिया। बोले पितामह ब्रह्मा बूढ़े बाबा हैं जिनका जटाजुट हो गया। एक दिन ब्रह्मा जी एक सुंदरी, उन्होंने एक लड़की को जन्म दिए, सृष्टि किए, वो लड़की इतनी सुंदरी थी, ब्रह्मा अपना बेटी को तो देखे और बेटी को देख करके स्वयं काम को संभाल नहीं सके, अपना बेटी को पीछे भागे। अब ये बेटी इतने लज्जित हो गई, इतने में बेटी ने हिरणी बन गई, ब्रह्मा जी हिरण बन गए, हिरण बनकर उसको पीछे भागे। इसलिए कामदेव सोच रहे हैं ब्रह्मा का भी मैंने सारे दर्प को मैंने चकनाचूर कर दिया। बोले इंद्र, इंद्र कौन है? स्वर्ग के देवता, उसका भी मैंने अभिमान को चुरा की। बोले कब? बोले जिस समय उन्होंने अहल्या को प्रति उन्होंने आसक्त हो गए थे, पता नहीं उनको कितने दुर्दशा उनको भोगना पड़ा। बोले श्री विश्वामित्र जी जोगी जोगी, विश्वामित्र जंगल में जाकर के कठोर तपस्या कर रहे थे, वहां पर मेनका प्रकट हो गई। केवल उनके चरण के नुपुर की झंकार से, छमछम आवाज से सारे उनके भजन भजन खत्म हो गया। बोले नारद जी बड़े बाबा श्री नारद बाबा, बोले नारद जी को तो मैंने बंदर का मुंह दिला दिया है। एक दिन नारद जी का भी बड़ा अभिमान हो गया था, मैंने माया को जीत लिया था, इसलिए उनके अभिमान को मैंने भी चकनाचूर किया। लेकिन दुनिया में केवल एक प्रभु रह गए, एक व्यक्ति। बोले कौन? बोले ये गोविंद देव। अगर ये गोविंद देव को अगर मैं जीत लूँ ना सारा दुनिया हाथ की मुट्ठी में आ जाएंगी। इतने में एक दिन कामदेव श्री ये गोविंद भगवान को पास में आए,
बोले ठाकुर जी मेरे साथ में दो हाथ कर लो, बोले किस चीज की, बोले सभी को मैंने मुग्ध किया है लेकिन केवल आप बाकी रह गए, मैं आपको साथ में भी थोड़ा युद्ध करना चाहता हूँ। गोविंद देव बोले कोई चिंता मत करो, मैं द्वापर का अंतिम में मैं जब जगत में मैं गोविंद भगवान बनकर कृष्ण बनकर के आऊंगा, जब मैं सत करोड़ों गोपियों के साथ में मैं रास करूंगा तभी तेरे साथ में युद्ध करूंगा। उसी समय कामदेव तो हंसते हंसते चले गए, बोले क्या, बोले गोपियों के साथ में जो रास करेगा मेरे साथ में युद्ध करेगा, उस समय तो गोपियों का प्रेम पागल बनाकर बन करके रहेगा। अरे गोपियां साधारण नहीं, ये गोपियां इतने सुंदरी, ये गोपियां थी कितने सुंदरी, उदाहरण देते हैं ये जगत में जितने स्त्रियां हैं ना, कहते इनकी सारी सुंदरता को एकत्रित कर लो, कहते तो स्वर्ग में जो रंभा उर्वशी मेनका का नाम सुनते हैं एक स्त्री को साथ में, ये पृथ्वी का सारी सुंदर का स्त्री जो सुंदरता एक मेनका को साथ में, समझो स्वर्ग लोक में कितने सुंदरी लड़कियां हैं अपसरी कैसे, कहते जितने स्वर्ग में जितने सारे रंभा उर्वशी मेनका जितने गंधर्विणियां हैं, कहते इनके सारे रूप को एकत्रित कर दो, कहते एक लक्ष्मी को साथ में बराबर होगा। जितने लक्ष्मियां हैं अनंत करोड़ लक्ष्मियां हैं, ये सारे लक्ष्मी की सुंदरता को एकत्रित कर दो ना, एक गोपी को साथ में होगा, इतने सुंदर गोपियां। इसलिए कृष्ण कहते हैं सुमध्यमा, उनको संबोधन करते हैं, कहते ये जितने सारे गोपियों की सुंदरता को एकत्रित कर दो ना, राधा रानी के चरण की नख की जो छटा में इतने सुंदरता उनकी छटा में ही प्रवेश कर जाएगा, इतने श्रीमती राधा रानी सुंदरी। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए कहते उन्होंने उनको नौता, बोले जब मैं वृंदावन में रास करूंगा ना तभी मेरे साथ में युद्ध करने के लिए आना। कामदेव तो हंसते हंसते चले गए, अभी ठाकुर जी रास कर रहे, ठाकुर जी अभी उन्होंने बंसी वट को नीचे उन्होंने खड़े होकर के जब उन्होंने बंसी ध्वनि की, बंसी ध्वनि से बोले जगौ कलौ बाम दृशा मनोहरा, बंसी से उन्होंने क्लिंग शब्दों को उच्चारण की, लेकिन ये जो क्लिंग जो शब्द है ना, देखना सारे मंत्र से पहले हम ये क्लिंग अक्षर बोलते हैं, देखो उसमें पांच अक्षर है, जैसे क है उसमें ल है इसमें ई है और चंद्र और बिंदु, उसमें पांच अक्षर है, हैं? ये पांच अक्षर मतलब क्या है, कहते जो अनंत कोटि जो विश्व ब्रह्मांड है ये पांच वस्तु को द्वारा बना हुआ है, खिति अब तेज मरुत और बम, मानो ये क्लिंग अक्षर में विश्व ब्रह्मांड है, और क मतलब कृष्ण, ल मतलब राधा रानी, ई मतलब उनका मिलन और चंद्र बिंदु मतलब इनके मिलन में जो आनंद मिलता है, इसलिए कृष्ण उन्होंने क्लिंग शब्द को उच्चारण की। लेकिन राधा रानी क्या सुन रही थी, केवल बंसी से केवल राधे 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 नाम आ रहा है। ललिता क्या सुन रही थी, बंसी से केवल ललिता ललिता शब्द, जितने सखियां वो सब के सब अपना अपना नाम को सुन रहे थे सब के सब। जब कृष्ण बंसी ध्वनि की उन्होंने उदाहरण दिया है, बोले कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण चोर के सरदार है, ये कृष्ण ये चोर के सरदार कृष्ण है, जो चोर का सरदार होता है ना वो चोरी करने नहीं जाता है, वो तो अपना स्थान पर बैठा रहता है, वो क्या करता है अपना चेले चापटियों को भेज देता है, बोले जाओ तुम सब चोरी करके लाओ, लेकिन चोरी करके माल किसको देना, चोर का सरदार को देना है। इतने में कृष्ण अपना बंसी ध्वनि बजाई, जब बंसी ध्वनि बजाई ये बंसी ध्वनि गई चोरी करने के लिए, जब ब्रज में चोरी करने के लिए गई, लेकिन भाग्य की बात देखो उस समय सारे दरवाजा खुला हुआ था, सारे दरवाजा खोला हुआ था, इसलिए कृष्ण का जो बंसी ध्वनि बोले दो तरह का है, बोले एक है कि सर्वभूत मनोहर और एक है गोपीभूत मनोहर। कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसी बजाया करते थे जिस शब्द को केवल गोपियां सुन सकती हैं, कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसी ध्वनि करते थे जिस शब्द को समस्त ब्रजवासी श्रवण कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बंसी बट को नीचे खड़े होकर के जब उन्होंने बंसी ध्वनि की, वो जो बंसी ध्वनि ये केवल गोपीभूत मनोहर था, ये सर्वभूत मनोहर नहीं था, अगर सर्वभूत मनोहर होता है ना पूरा ब्रज के ब्रज ही उमड़ करके आ जाते, लेकिन वहां पर केवल गोपीभूत मनोहर था। इतने में ये बंसी ध्वनि गई, जा करके देखा भाग्य से सारे दरवाजा इनकी खोला, दरवाजा खोला मतलब क्या है, गोपियों का जो कान है सबके सब खोला हुआ। इतने में
बंसी ध्वनि उनकी कान के माध्यम से हृदय में गई और हृदय में जाकर के ये कृष्ण चोर के सरदार बैठे हुए ये बंसी ध्वनि गए, बोले कहाँ पर माल रखा हुआ, माल कहाँ पर रखा हुआ है, हम माल को लेने के लिए गए ना, यहाँ पर कौन सा धन माल है, बोले प्रेम धन है। हाँ, ये प्रेम धन, यद्यपि सभी के हृदय में प्रेम धन है, लेकिन जो गोपियों का हृदय में जो प्रेम धन, ये सर्वतम प्रेम धन है। इतने में बंसी ध्वनि गया और जाकर के उनका कान में प्रवेश किया और उनका जो हृदय था ना, उनका मन प्राण चित्त, ये ने बंसी ध्वनि ने चोरी करके भागे। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आए, आपका जिंदगी का जो कमाई है वो सारे कमाई को अगर लेकर के भागेगा तो फिर क्या करोगे? आप भी पागल होकर उसको पीछे दौड़ोगे, भैया जिंदगी का सारे कमाई हमारी चोरी हो गई, उसको पीछे भागोगे ना? इतने में कृष्ण जब उनका मन प्राण चित्त को चोरी की, उसी समय में कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, कोई एक आंख में काजल पहनी दूसरे आंख में काजल पहनने जा रही थी, इतने में बंसुरी बजाई, कोई आधा कपड़ा पहनी हुई थी, कोई रसोई बना रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, लेकिन जब उन लोगों ने बंसी ध्वनि उन्होंने श्रवण की, उसी समय में ही सबके सब बंद करके सबके सब कृष्णा पीछे सबके सब भागे। जो भागे वहां से, इतने में भागते समय कुछ गोपियां तो निकल करके आ गई, लेकिन कुछ गोपियां निकल करके नहीं आ पाई। बोले निकली कौन और नहीं निकली कौन? बोले उन गोपियों ने निकल करके आई जिनकी भाव पुष्ट हो गया था, जिनके अंदर में कोई कसाई नहीं थी, किसी कमी नहीं थी, बोले रोके किसी को, बोले जिनका शरीर पति को साथ में संबंध था, इसलिए वो जो शरीर है वो हो गया अपवित्र, हो गया अपवित्र होने का नाते वो कृष्ण सेवा के योग्य नहीं रहा, इसलिए जोग माया ने उनको घर से आने नहीं दिया। और कुछ गोपियां तो निकल करके आ गई, जब आ गई जिनको आने नहीं दिया, इतने में उन लोगों ने भगवान को प्रार्थना किया, हे ठाकुर जी आपका जो दिव्य रास महोत्सव है आज हम इसमें जोगदान नहीं कर पाए, हे श्याम सुंदर, हे प्रियतम हमारे ऊपर में कृपा करो। जब उन्होंने प्रार्थना की, उनका जो विरह अग्नि में जो उनके अंदर में कुछ कमी थी वो कमी भी दूर हो गई। उदाहरण दिया, जैसे माली वो क्या करता है, देखता है जब पेड़ में आम पुष्ट हो गया उसको तोड़ करके ले रख घर में ले आता है, ला करके गर्मी स्थान में रख लेता है, जब जब एक एक आम पकता है और उसको अमुनिया करके अपना माली को देता है। पर ठीक उसी तरह कहते जो गोपियां हैं इनका जो विरह रूपी जो अग्नि में इनके अंदर में जो कमी थी ना वो कमी दूर हो गई। उनका शरीर को तो पतियों ने रोक लिया, आत्मा को थोड़ी रोक सकते हैं, वो आत्मा शरीर से ये सब के सब ठाकुर जी के पास में आत्मा शरीर से आ गए। जब आ गए इतने में कृष्ण उनको साथ में थोड़ा ठिठोली भी की है, लेकिन भगवान को स्वागत भी करते हैं, बोले स्वागत में महाभागा। भगवान कहते हैं गोपियां मैं तुम सबको स्वागत करता हूँ। बोले क्यों? बोले तुम लोग महाभागा, महाभागा मतलब जगत में तुम लोग बड़े सौभाग्यवान हो। क्यों? तुम लोग ने सारे हाँ पतियों ने रोकने पर भी संसार का सारे स्त्री पुत्र परिवार सबको तुम लोग ने ठोकर मार करके तुम लोग ने मेरे पास में आए हो, इसलिए मैं तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ। देखो आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए हो आपको भी स्वागत है, आपको भी घर में बहुत सारे काम होगा, होगा कि नहीं? पति के लिए रोटी बनाने वाले, बच्चे के लिए संसार भी सारे काम है, लेकिन तुम लोग भी सब कुछ घर का सारे काम धाम को पीछे करके कहाँ पर आ गए हो? तुम लोग सब भागवत कथा में आए हो, इसलिए जो भागवत कथा में आते हैं ना ठाकुर भी उनको स्वागत करते हैं। ठाकुर जी उन्होंने बोले जगत में तुम लोग बड़े सौभाग्यवान हो, तुम लोग सब के सब मेरे पास में आए हो, अच्छी बात है तुम लोग आए हो। बोले देखो तुम लोग पतिव्रता स्त्री हो, पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है अपना पति भले ही लंगड़े लूढ़े निकम्मा कुछ भी नहीं हो, स्त्रियों का कर्तव्य है अपना पतियों का सेवा करना, पति का कर्तव्य है। ये घोर अंधकार रात्रि है इसलिए तुम लोग अकेले आए हो, ये तुम्हारे लिए ये शोभा नहीं देता है, इसलिए जब तुम लोग वापस चले जाओ। तुम लोग आए वृंदावन का स्वभाव को दर्शन कर लिया, अच्छा किया आए, और तुम लोग अभी घर में वापस चले जाओ।
कृष्ण ने बड़ी बड़ी उनको उपदेश दिया है, हैं? एक पतिव्रता का क्या धर्म है जो बहुत बड़ी बड़ी उपदेश दिया, अभी तो गोपियां तो चक्कर में पड़ी गई। बोले कितना दिन से हमको निमंत्रण उसने दिलाया, कब? जब से वस्त्र धारण किया, हैं? जैसे उदाहरण दिया, जैसे आपका घर में कोई महोत्सव, कोई फेस्टिवल हो, एक व्यक्ति आपको निमंत्रण दिया, देख भैया अमुक दिन आना, रोज रोज उसी रोड में जाता है और रोज बोलता है, याद है कि नहीं? और हमारे बाड़ी घर में उत्सव है, हम बोले याद है, बोले जरूर आना, एक महीना से बोला हमका आना आना आना, लेकिन जब घर में आ गए बोले किसी लिए आए हो, घर में चले जाओ, कोई इसका कोई मतलब है? अरे हम लोगों को इन्होंने इतना दिन से निमंत्रण दिया, ये रास में तुम लोग आना, जब हम आए और हमको क्या करे, बोले अच्छा हुआ आए हो, जंगली की शोभा देखो और तुम लोग यहां से वापस चले जाओ। गोपियां तो बड़ी दुखी हो गई, दुखी होकर के इतने में कृष्ण उनको पतिव्रता धर्म की शिक्षा देते हैं। बोले देखो एक सुंदर स्टोरी सुनाओ। बोले सुनाओ, क्या सुनाओगे? बोले जो पतिव्रता स्त्री है उनके अंदर में कितने शक्ति है। बोले एक समय दो पति पत्नी रहते थे, उनके घर में एक छोटा बच्चा जो केवल घुटन पर चलना सीखा है, वो बच्चा सो रहा था, पति पत्नी के जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहा था पति, हठात बच्चा का नींद खुल गया। नींद खुल गया तो बच्चा वहां पर एक चूल्हा था, पहले तो कंडे का चूल्हा, लकड़ी की चूल्हा, उसमें रसोई बनी हुई थी, अभी अभी उसमें आग धधक रहा था, वो बच्चा का नींद खुल गया। अभी वो बच्चा घुटन पर चलते चलते पूरा चूल्हे के पास में चला गया, अभी वो चूल्हे में गिरने वाले। अभी तो उसको जो पत्नी थी वो तो घबरा गई, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, बच्चा तो अभी चूल्हे में गिरने वाला। लेकिन इधर पति सो रहे हैं जंघे के ऊपर सर रख करके, अभी वो सोच रहे हैं अगर मैं बच्चे को रक्षा करने के लिए जाती हूँ, पति तो सो रहे हैं, मैं पतिव्रता नारी, अगर पति का अगर नींद को अगर मैं जगा देता हूँ, मैं पतिव्रता नारी, ये पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगी मेरी। लेकिन अगर बच्चे को रक्षा करने के लिए नहीं जाऊंगी तो बच्चे अभी चूल्हे में गिरने वाले, अभी मुझे क्या करनी चाहिए? सोचते सोचते सोच रहा है, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मेरा पहला कर्तव्य अपना पति की सेवा करना, भले ही बच्चा चूल्हे में गिर कर मर जाए। और सचमुच से देखते देखते वो बच्चा जाकर चूल्हे में गिर पड़ा। इतने में तो उसका छाती धक धक करने लग गई। थोड़ी देर बाद में पति की नींद खुली, बोले लाला कहाँ है? बोले लाला तो चूल्हे में गिर पड़ा। बोले तुमने बचाया नहीं? बोले आप मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे थे, मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता आपको जगा देती तो। बोले चलो चलो हम देखते हैं क्या हो रहा है। जब वहां पर गए ना, वो अग्नि ये पतिव्रता की धर्म को देख करके वो अग्नि शांत हो गया। वो बच्चा किलकारी मारते हुए खेल रहा था, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको अंदर से उठा करके ले आए। कृष्ण ने कहा तुमने देख लिया, जो स्त्री अपना पतिव्रता धर्म को रक्षा करता है, इतने शक्ति उसके अंदर में। गोपियों ने कहा कृष्ण हम भी तो आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। बोले सुनाओ, क्या सुनाओगे? बोले एक समय दो पति पत्नी बड़े आनंद पूर्वक रह रहे थे। एक दिन पति को किसी कारण से कुछ दिन बाहर जाना पड़ा। पत्नी को बोला मैं बाहर जाना, कुछ दिन काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। पत्नी बोली तुम बाहर जाओगे तो मैं अकेले क्या करूंगी, रसोई किस लिए बनाती हूँ, तेरे लिए तो रसोई बनाते हूँ, घर में घर को झाड़ू क्यों लगाती हूँ, साफ क्यों कर दूँ, तेरे लिए ये बिस्तरा को सजाती क्यों, तेरे लिए ये श्रृंगार क्यों करती हूँ, तेरे लिए तो सब कुछ करता हूँ, अगर तू जाओगे तो मैं क्या करूँगी। बोले कोई जरूरी काम है, मेरे को जाना ही पड़ेगा। बोले देखो मैं जब तक नहीं आता हूँ ना, मैं अपना के फटो दे देता हूँ, ये फटो को पूजा करते रहना। बोले ठीक है। अभी पता चला गया, पति चला गया, वो पत्नी पति का फटो को रख करके वहीं पर सब कुछ सजाता भजाता सब कुछ। अभी पति को सजा रहा था फटो को, अभी पति आ गया। पति आकर दरवाजा खटखट करवाए। इतने में गोपियां कह रही हैं कृष्ण को, बोले कृष्ण अभी बताओ वो स्त्री क्या करेगा। बोले भैया जब असली पति आ गया फिर फटो को पूजा क्यों करोगे। बोले आपका उत्तर मिल गया है। आप स्वयं गीता में क्या बोले, पिता अहमस्य जगत धाता माता पितामह। बोले हे अर्जुन तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुस्स सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। कृष्ण कह रहे ना जगत का पिता बंधु भाई पति कौन है, कहते मैं हूं, मैं ही दुनिया का पति। इसलिए जगत पति तो तुम हो, ये शरीर का पति तो वो है, लेकिन आत्मा के असली पति कौन, तुम तो हमारी आत्मा की असली पति है ना। जब तुम्हारी पास में हम आ गए फिर तो सबका पूजा तो हो गया अपने आप।
कृष्ण गीता में, अब गीता में तो यही बात बताए ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तुम सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, अगर मेरे शरण में आ जाओगे तो सारे पाप से मैं मुक्त कर दूंगा। मन मना भव मद भक्त भव, आ भी तो बोले, मेरा ही पूजा, मेरा ही नाम, मेरा ही कीर्तन कर, जगतपति जगन्नाथ तो तू हो। देखो आप जो इतने सुंदर सुंदर हमें उपदेश दिया ना, फिर आप कौन बन गए? बोले कृष्णंग बंदे जगत गुरु, आप तो जगत गुरु हो। और शास्त्र में क्या बताया, प्रथमंतु गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम। आप ही तो बताए पहले गुरु पूजा, उसके बाद मेरी पूजा। गुरु तो जगत गुरु तुम हो, इसलिए पहले तो तुम्हारी पूजा करेंगे ना। गोपियों ने ऐसे तर्क वितर्क दिया ना, ये कृष्ण को फेल कर दिया, कृष्ण फेल हो गए। फिर कृष्ण प्रसन्न होकर के ये ब्रज गोपियों को साथ में ठाकुर जी रास करते हैं। एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी। जो एक आंख में काजल लगा करके आई थी ठाकुर जी, उसको दूसरे आंख में लगा दिए। जो आधा वस्त्र पहन करके आई थी कृष्ण, उसको पूरा वस्त्र पहना दिए। जो गले की हार कमर में, कमर की करदन गले में पहन रखी थी ठाकुर जी, उनको ठीक से श्रृंगार कर दिए। हैं, यहाँ सिखा देते हैं, अगर हमें कोई ठीक ठीक से श्रृंगार कर सकता है, कौन? ये गोविंद ठाकुर ही हमें सुंदर करके श्रृंगार कर सकते हैं। ठाकुर जी बड़े सुंदर गोपियों को श्रृंगार कर दी। और जब ठाकुर जी रासलीला कर रहे थे, अगर पसीना निकले ना, ठाकुर पसीना की पहुँच रहे थे। कभी कभी कृष्ण कह रहे थे, कभी कभी प्यार थोड़ा दबा दो, थक गई हो। कृष्ण ऐसे उनकी चापुरासी कर रहे थे। कृष्ण अभी स्त्रियों के अंदर में एक बहुत बड़ा दोष भी है, जानते हो क्या दोष है आप लोगों के अंदर में? कहते जो पति ज्यादा प्रेम करता है ना, फिर उसको सर पर चढ़ बैठ गए। अभी तो इनको लगा हम सौभाग्यमद हो गया, त्रिभुवन में अगर सबसे बड़े कोई सौभाग्यवान हम ही है। क्योंकि ये गोपियां ये देख रही थी कृष्ण केवल हमारी पास में, कृष्ण और किसको पास में है नहीं, ये देख रही थी। लेकिन राधा रानी क्या देख रही थी, कृष्ण मेरे साथ में भी है और कृष्ण सब गोपियों के साथ में भी है। इतने में राधा रानी की हो गई मान, और गोपियों का होगा सौभाग्यमद। हाँ, सौभाग्यमद मतलब है त्रिभुवन में हमसे बड़े जगत में कोई है नहीं। सौभाग्यमद होते होते ऐसे स्थिति आ गई, इन लोगों ने राधा रानी को भी निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। बोले राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा रानी के बगैर हम संपूर्ण हैं। हैं, इसलिए जब इनके अंदर में ये अभिमान आ गया, अभी कृष्ण सोच रहे हैं भैया राजेश्वरी तो श्री राधा रानी हैं, यही तो मूल राजेश्वरी। लेकिन इन लोगों ने तो श्री राधा रानी को निग्लेक्ट करना शुरू कर दी, मूल जो राजेश्वरी उसको ही निग्लेक्ट कर रहे। स्वतंत्र नायिका भाव आ गया, हम स्वतंत्र है, हमारे कोई किसकी अनुगत्य की जरूरत नहीं। इतने में कृष्ण कहते गोपियों की सौभाग्य मद दूर करने के लिए और राधा रानी की मान को दूर करने के लिए कृष्ण तत्रैव अंतर्ध्यते, वहीं पर कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान होने पर कृष्ण क्या किया, थोड़ी दूर गए एक कुंजे में जाकर के ये अपना ड्रेस को बदला दिया, एक सुंदर श्यामा सखी रूप धारण किया। धारण करते हुए बोले देखो चलो हम गोविंद के ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन अकेले अकेले नहीं, हम दो दो होकर जाएंगे। इतने में कृष्ण ने किया क्या, राधा रानी को हाथ पकड़ लिया। लेकिन राधा रानी को पता नहीं चला ये कृष्ण है, क्यों? कृष्ण भी अपना ड्रेस को बदला करके रखे, श्यामा सखी रूप धारण करके, और उन्होंने ले करके एक कुंजे में गए, सुंदर सुंदर पुष्पों की माला बनाई, राधा रानी को गला में उन्होंने पहनाए, राधा रानी को पूरा शरीर को उन्होंने फूल से श्रृंगार कृष्ण को किया, उनको बाल को भी उन्होंने संभारे, बड़े उनको राधा रानी को बड़े सम्मानित किया। और इधर गोपियां क्या कर रही हैं, कृष्ण विरह में लता पता पेड़ पौधा सबको पूछ रहे हैं हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखे हो। उन्होंने पीपल वृक्षों को पूछे, पीपल वृक्षों को जो बोला ही नहीं, बोले वृक्ष तो देखने में बड़े बड़े हैं लेकिन इसका फल इतना छोटे छोटे, इसका मन बड़ा छोटा है। हठात उन्होंने देखा ये तुलसी को, बोले हे तुलसी कल्याणी, क्या हमारे गोविंद प्रिय क्या श्याम सुंदर को देखे हो? लेकिन वो कुछ बोली नहीं। बोली ये क्यों बोलेगी, स्त्री जाती है ना, एक स्त्री दूसरे स्त्री को देख नहीं सकती, डाह हो जाती है। हाँ, इसके अंदर अंदर डाह, इसलिए ये नहीं बोल रही। देखा है कि मालती लता है, देखा उसमें पूरा फूल खिला हुआ है। बोले क्यों फूल खिला हुआ, जरूर गोविंद जिसको स्पर्श किए है, वो आनंद से ये फूल खिला हुआ। उन्हें भी पूछा,
उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया। जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दी, उन्होंने पृथ्वी को पूछा, बोले हे पृथ्वी, तुम तो सर्वत्र विद्यमान हो, तुम्हें तो पता होगा गोविंद कहाँ गए। हठात जब उन्होंने नीचे देखा, इतने में कृष्ण की दो चरण को उन्होंने देखा, क्योंकि कृष्ण के चरण की सेवा सब गोपियां करती हैं, इसलिए उनके चरण चिन्ह देख करके समझ गए कृष्ण तो इधर होते हुए कृष्ण गए। अभी धीरे 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 उनको ढूंढ रहे, लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, देखा कृष्ण के दोनों चरणों के बीच में एक छोटी सी, एक प्यारी, एक छोटी सी चरण चिन्ह है। कल हम लोग सुन रहे थे, वहां पर तीन तरह का गोपियां थी, तटस्थ, विपक्ष और स्वपक्ष। अभी जो तटस्थ थी, तटस्थ मतलब जो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं और राधा रानी को भी प्रेम करते हैं, और जो स्वपक्ष मतलब जो राधा जी की चरण की सेवा करते हैं। अभी राधा जी के चरण में क्या क्या चिन्ह उनको पता है, उसको देख करके तो पता चला गया ये हमारी किशोर जी की चरण चिन्ह है। इतने में देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बोले अनया आराधित नूनम भगवान हरिश्वर। कहते जितने गोपियों में ये गोपी सर्वश्रेष्ठ है, क्यों? कृष्ण सबको छोड़ करके केवल अकेले इनको कृष्ण लेकर गए। बोले वो कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। लेकिन जब थोड़ी आगे चले, देखो वो बीच का जो चरण है नहीं, बोले ये बीच का चरण कहाँ गया? दूसरे गोपी कहती हैं, ये तो हृदय को और भी ज्यादा व्यथा देने वाले। बोले क्यों? बोले तुमको दिख नहीं रहा है जो गोविंद का चरण थोड़ा ज्यादा नीचे दबा हुआ। बोले मतलब क्या? बोले समझ में नहीं आ रहे हैं, वो जो गोविंद देव ने ये राधा रानी को गोद में उठा कर लेकर गए, तभी तो ये बीच का चरण नहीं और कृष्ण का चरण थोड़ा ज्यादा दबा हुआ। जब ऐसे करते करते जा रहे थे, कृष्ण क्या कर रहे थे? राधा रानी को कुंज में बैठा करके बड़े सुंदर उनके श्रृंगार कर रहे थे। इतने में गोपियों की हयोला सुन करके कृष्ण कहते, राधे चलो जल्दी जल्दी हम चले जाते हैं, क्योंकि अगर गोपियों ने तुमको साथ में अकेला देख लिया ना, फिर वो भी मान करके बैठेंगे। ये जो महारास नहीं हो सकता है, हैं? अभी जिंदगी भर केवल तुमको क्या, तुम लोगों को मना दे रहा हूं, इसको मनाओ उसको मनाओ, इसलिए महारास नहीं होगा, इनके अंदर में ईर्ष्या हो जाएगी। राधा रानी सोच रही हैं, मैंने जो काम किया ना गलत किया है, जैसे मैं भी कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके सब कुछ छोड़ छाड़ कर गोविंद शरण में आए हूँ, ये गोपियां तो मेरी काय भी है ना, मेरी प्रकाश है, ये भी तो घर द्वार सब छोड़कर कृष्ण के लिए आए, मैं अकेले कृष्ण को लेकर के आनंद ले रही हूँ और गोपियां कृष्ण विरह में रो रही हैं, मैंने अच्छा काम नहीं किया। अभी राधा रानी सोच रही हैं, अगर मैं थोड़ी सी टेढ़ी बन जाऊँ ना, श्याम सुंदर मेरे को मनाते रहे, फिर गोपियां आ जाएगी, फिर हम सब मिल करके फिर हम रास करेंगे। इसलिए राधा रानी बोली, देखो मैं यहाँ से चल नहीं पा रही हूँ, मेरे को जैसे रास से उठा करके ले आए थे ना, ऐसे हमें उठा करके ले जाओ। कृष्ण बोले, फिर क्या कंधे पर बैठोगे? बोले बैठा लो। जब इतने में राधा रानी बैठने के लिए गई, कृष्ण तत्री व अंतर ध्यान, कृष्ण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए और श्री राधा रानी हा रमण हा प्रेयसी करते करते वहीं पर श्री राधा रानी बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो गई, इतने में सारे ब्रज गोपियां आई, जब राधा रानी को बेहोश होते हुए देखा, देखो स्त्रियों में एक स्वभाव, क्या जानते हो स्वभाव है? अभी ईर्ष्या हो रही थी, कृष्ण अकेली इनको लेकर गए हमें छोड़ करके, लेकिन स्त्रियों में एक स्वभाव है, जब देखे कोई स्त्री किसी की दुख में दुखी है ना, ये भी उनका दुख में दुखी हो जाती है, दुखी होकर उनके साथ में रोने लग जाती है। बोले श्याम सुंदर, तुम्हें भी श्याम सुंदर छोड़कर चले गए? बोले हाँ। बोले देखो चलो, कृष्ण को उनका कीर्तन बहुत प्यारा है, हम यमुना किनारे में बैठी करके उनका कीर्तन करेंगे और श्याम सुंदर कीर्तन में प्रकट होते हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं बताए, मत भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पर मेरे भक्तजन मेरे कीर्तन करते हैं मैं वहीं पर ही रहता हूँ। चलो हम सबके सब कहाँ कीर्तन करेंगे? यमुना किनारे में। बोले यमुना किनारे में क्यों कीर्तन करेंगे? उसका दो तीन कारण बताए। पहला कारण बताए कि ये यमुना नदी है, ये कौन है? ये विशाखा सखी है,
ये कोई साधारण नहीं, ये कृष्ण प्रेम में रंगी हुई है। काली काली क्यों है जमुना? कारण क्या है? कृष्ण प्रेम में, कृष्ण चिंतन में वो काली बनी हुई है, हैं? वो ये साधारण नहीं, कृष्ण प्रेमी द्रवीभूत होकर बह रही है। जब तक जमुना रानी की, पटरानी की कृपा नहीं होना, तब तक कृष्ण नहीं मिलते हैं। और कभी ये यमुना जी ने राधा कृष्ण को मिलने कराया। देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय श्री राधा रानी कहती हैं श्याम सुंदर से, बोले श्याम सुंदर मैं तो मान करती हूँ, आप मेरे को मनाते? बोले हाँ। बोले कभी आप भी कभी मान कर मैं मनाऊंगा, कभी मैं मनाऊंगी। कृष्ण बोले पुरुष लोग थोड़ी मान करते, मान तो स्त्रियां करती है और पुरुष लोग स्त्रियों को मनाते। बोले अगर मान करो ना, मैं मना करके देखती हूँ कैसे लगता है। कृष्ण मना कर रहे थे लेकिन राधा रानी जोर जबरदस्ती की। कृष्ण बोले ठीक है मैं मान करता हूँ, तुम मेरे को मनाओ। इतने में कृष्ण तो मुंह मोड़ कर बैठ गए मान करके। इतने में राधा रानी मनाना शुरू की। देखो अगर सचमुच से कोई सोया हुआ ना उसको जगा सकते हो अगर कोई नाटक करके सोया हुआ उसको जगा सकते हो? अब जगा नहीं सकते हो। अगर मान का कोई कारण हो तभी तो उसको मान को तोड़ सकते हैं ना, मान का तो कोई कारण था ही नहीं। इतने में कृष्ण मुंह मोड़ कर बैठ गए और राधा रानी तो मनाते मनाते थक गई और कृष्ण को मना नहीं पा रही। अभी तो राधा रानी सोच रही भैया मैंने क्यों बताया, मान करो और कृष्ण का मान ही नहीं टूट रहा है। वो बड़ी दुखी हो गई, दुखी होकर यमुना के पास में गई, सारे बात बताई। यमुना बोले मैं तो चुटकी बजाती हुई कृष्ण का मान तोड़ दूंगी। बोले तोड़ दोगे? बोले हाँ। बोले देखो मैं क्या करती हूँ। इतने में यमुना देखने में काली है, यमुना रंग काली है और कृष्ण का रंग भी काला है। इतने में यमुना ने एकदम कृष्ण जैसे श्रृंगार किया, मोर मुकुट, हाथ में बंसुरी और पीताम्बर पहन लिए। इतने सुंदर यमुना ने कृष्ण रूप को बनाए। आप देखना जब किसी लड़की को आप लड़का बनाओ ना, श्रृंगार करो, वो लड़का से भी ज्यादा सुंदर दिखती है, हैं? लड़का से भी। और जब उनको कृष्ण रूप में जब उसने श्रृंगार की और कृष्ण जैसे लटकन झटकन होकर चलते हैं, इतने में यमुना नदी जब स्वयं कृष्ण बनकर आए, कृष्ण देखा भैया ये तो मेरे से भी सुंदर दिख रहे हैं और ये तो कृष्ण जैसे, कृष्ण तो चक्कर में पड़ गए। बोले क्या मेरे मैया ने जमज संतान जन्म दिया था और मेरे को बताया नहीं, ये तो मेरे जैसे पूरा के पूरा। और कृष्ण काले, यमुना भी काली, देखकर तो कृष्ण चक्कर में पड़ गए, ये कौन है मेरे जैसे। इतने में जब आए उनको पूछे तुम कौन? बोले कृष्ण हूँ। अभी जो असली कृष्ण था ना, गोपियों ने तो असली कृष्ण को छोड़ दिया, नकली कृष्ण को पीछे चले गए। सब गोपियां कृष्ण को पीछे चले गए, जो नकली यमुना को पीछे, कृष्ण तो अकेले हो गए। बोले ये क्या हो गया, सबके सब मेरे को छोड़कर तो ये इसको पीछे चले गए। इतने में कृष्ण गए और यमुना जी से बोले भैया तू कौन हो? बोले मैं कृष्ण हूँ। बोले तू भी कृष्ण? बोले हाँ। बोले भैया मैं भी कृष्ण हूँ, फिर हम दोनों मित्र लगते हैं? बोले हम दोनों मित्र लगते हैं। बोले मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ। बोले मिलो। जब उन्होंने गले मिले हैं ना, फिर उनको पता चला ये कौन है, ये श्री जमुना पटरानी। बोले श्री जमुना महारानी की, बोले श्री जमुना पटरानी की। इतने में कृष्ण को जो मान था ना वो मान दूर हो गया, फिर राधा कृष्ण का जुगल मिलन हुआ है। इसलिए ये यमुना नदी ने किया कि राधा कृष्ण को उन्होंने मिलन कराया था। इसलिए बोले जमुना महारानी की। इसलिए बोले चलो हम श्री जमुना किनारे में बैठ करके उनका कीर्तन करेंगे, क्योंकि कृष्ण को अपना कीर्तन बहुत प्यारा है। इसलिए उन लोग ने क्या किया, कृष्ण कीर्तन किया है। बोले जयति तेधिकम जन्मना ब्रज प्रयतरे हीरा शाश्वतत्रहि दायित दृशताम सुता अब का कोई धृता सब स्वांग विचेनते तब कथा मृतम ताप्त जीवन कभी मेरी कर्म साप
प्रेमदा जब ये गोपी गीत को गाए कृष्ण मनमथ के मनमथ रूप लेकर की गोपियों के बीच में ठाकुर जी प्रकट हुए। प्रकट होने पर गोपियों ने अपना चुनरी को उतार करके उनके लिए आसन देकर बैठाए। बोले कौन? बोले जोगेश्वर अपी, जिनकी चरण को बड़े बड़े जोगी मुनि ऋषि लोग भी जिनकी चरण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज ठाकुर जी कहाँ पर बैठे हुए? बोले गोपियों के चुंदरी के ऊपर है, मतलब जिनकी इनकी प्रेम में ठाकुर जी वशीभूत है। इतने में गोपियों ने कृष्ण को प्रश्न करते हैं, उन्होंने तीन प्रश्न किया है, तीन प्रश्न। पहला प्रश्न है, बोले गोविंद ये बताओ, जगत में तीन तरह के लोक होते हैं। एक तरह के लोक होते हैं जो प्रेम करने वालों को प्रेम करते हैं, दूसरे तरह का व्यक्ति होते हैं प्रेम करे नहीं करे तभी उनको प्रेम करते हैं, लेकिन तीसरे तरह का व्यक्ति होते हैं, हैं तीसरे तरह का व्यक्ति होते हैं जो करे नहीं करे, जिसको साथ में कुछ भी मतलब नहीं रखते हैं। बताओ इसमें तीनों में तुम कौन हो? मतलब गोपियाँ इसलिए ये प्रश्न कर रही हैं कृष्ण को अपना फंसाने के लिए। कृष्ण ने उनको, कृष्ण तो कलाकार है, कृष्ण ने कहा देखो जे प्रेम करने पर जो प्रेम करता है वो बढ़िया है। जैसे आप दुकान में जाओ 100 रुपया दो, 100 रुपया का माल दे देगा, कोई मतलब नहीं, पैसा से मतलब है। पैसा दिया, हाँ क्या कहते ना, पैसा फेंको और तमाशा देखो, इसलिए पैसा दिया और पैसा का माल दे दिया। दूसरे तरह का होते हैं प्रेम करे नहीं करे तब प्रेम करते हैं, ये कौन? भले ये पिता माता, भले ही बच्चा जितने नालायक क्यों नहीं हो जाए हैं, लेकिन पिता माता क्या सोचते हैं, मेरे बेटा है ये, मेरे बेटा है, क्योंकि जन्म दिया ना उनको पता है। इसलिए भले ही कुछ करे नहीं करे पिता माता कभी भी बच्चे को त्याग नहीं देते, किसी अवस्था में भी त्याग नहीं देते ये पिता माता। इसलिए नियम क्या है, जरूर पिता माता की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी हमें चाहिए। कभी भी गुरुजन का ऋणी से कभी हम ऋणी नहीं हो सकते, ठीक है ना। ऐसे नहीं शादी हो गया तो बीबी की बात सुनने लग गया और पिता माता की एक अलग कर दिया, ऐसे नहीं होनी चाहिए। हर समय कभी भी पिता माता का ऋणी बच्चा कभी पिता माता का ऋणी कभी चुका नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर करे नहीं करे तभी वो उनकी सेवा करता है। जो तीसरा तरह का होता है करे नहीं करे तभी कोई मतलब नहीं, कहती ये चार ही तरह के होते हैं, आत्मा राम आप्त काम गुरुद्रोही और अकृतज्ञ, ये चार ही तरह के होते हैं। कहते बोले कृष्ण तू तो आत्मा राम आप्त काम नहीं है, क्योंकि तुम तो हमारे बगैर रह नहीं सकते हो, तुम आत्मकाम आत्मा राम कैसे हो? लगता है तो गुरुद्रोही और अकृतज्ञ है, तो गुरुद्रोही क्योंकि तुम्हारी जो प्रेम का गुरु श्रीमती राधा रानी, प्रेम का गुरु तुम राधा रानी से तुम प्रेम का प्रेम सीखा करते हो, प्रेम का गुरु। अकृतज्ञ मतलब किया हुआ भलाई के जो भूल जाते हैं, कहाँ तुमने हमने को बंसरी बजा करके तुमने हमको बुलाया, घोर अंधकार रात में हम सबके सब आए, घर बाड़ पति पुत्र सब छोड़ करके और घोर अंधकार रात में तुम हमको छोड़ करके तुम चले गए, लगता है तुम तो अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। इतने में कृष्ण ने कहा देखो प्रेम के दो पहलू है, कितना पहलू है, क्या क्या है? कहते हैं कि मिलन है और एक विरह है, प्रेम की ये दो पहलू है। लेकिन मिलन में क्या होता है, सामने सामने से मिलते हैं लेकिन अंदर से खोते हैं, लेकिन विरह में क्या होता है, एकदम वो चिंता में डूब जाते हैं। जैसे घर में पति है, हैं घर में पति है, लेकिन अगर पति अगर एक गिलास पानी मांगता ना, एक गिलास पानी दो, बोले उठा कर पी नहीं सकते हो, हैं बोले उठा कर पी लो ना, उठा कर पी नहीं सकते हो। लेकिन अगर घर में पति पति हो, बोले कभी जब इच्छा तो मिल जाएंगे, लेकिन पत्नी पति अगर दूर देश में रहता है, 6 महीना साल में 5 साल में आता है, देखना जब पति चला जाता है ना, पत्नी दिन भर उसको चिंता करता है कब आएंगे, अभी तक नहीं आए, लेटर नहीं आया, अभी तो फोन आ गया इसलिए लेटर नहीं आया, और दिन भर। अब पति अगर 6-1 साल बाद में आए ना, देखना कितना सेवा होती उसकी, उसका कितने सेवा होती है। इसलिए कहते देखो मैं क्यों तुम लोगों को त्याग दिया, उदाहरण दिया, इसलिए मैंने त्याग दिया
त्याग दिया तुम लोगों को, मैं दिखाना चाहा था तुम्हारे हृदय में मेरी प्रति कितना प्रेम, दुनिया को दिखाना चाह रहा था, केवल यही कारण था। मैंने तुमको त्याग दिया तभी तो ये गोपी गीत को गाए, तभी तो मेरे प्रेम में इतनी दीवानी बनी तुम लोगों ने। अगर मैं तुमको त्याग नहीं देता ना, कहाँ मेरे प्रेम में इतने दीवानी तुम कहाँ बनती, नहीं बनती। इसलिए दुनिया को तुम्हारी विरह को दिखाना चाह रहा था, तुम लोग मेरे विरह में कैसे, मेरे चिंता में कैसे तल्लीन हो जाते हो, पूरा मेरे चिंतन करते करते कैसे डूब जाते हो, ये चीज को दुनिया को दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने त्याग दिया। तत्वतः मैंने तुम लोग को कहीं त्याग नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण कब प्रकट हुए, जब गोपियों ने गोपी गीत गाए ना, कृष्ण बीच से प्रकट हुए। कहते अगर मैं चला गया होता तो बीच से कहाँ प्रकट होता, मैं तो तुम्हारे बीच में बैठी बैठी करके तुम्हारी जो विरह में हमें जो पुकार रही थी, मेरे को जो ताना मार रही थी ना, वो ताने को मैं सुन रहा था। गोपियाँ, मैं कभी तुम लोगों को त्याग नहीं दिया। फिर भगवान कृष्ण महारास करते हैं, जो महारास करते हैं स्वयं शंकर जी भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन जब शंकर जी आए दर्शन के लिए, वहाँ पर जोग माया उनको प्रवेश करने नहीं दी, बोले नहीं यहाँ तो केवल एक पुरुष कृष्ण, सब के सब गोपियाँ हैं, तुमको स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा। श्री शंकर जी ब्रह्म कुंड में स्नान करके एक सुंदर गोपी मूर्ति धारण किया, उनको ईशान कोने में बैठा दिया, बोले यहीं से ही तुम ये रास को दर्शन करते रहो। कृष्ण देखा आज मन में आनंद नहीं हो रहा है, लगता है कोई अनधिकारी व्यक्ति आ गया। गोपियों ने ढूंढते ढूंढते एक कुंजिया में देखा कि नई गोपी बैठी हुई, तो इतने में पूछे भैया तेरे नाम क्या है, तेरे गांव का नाम क्या है, तेरे जेठ पति का नाम क्या है। जब शंकर जी को पूछे इतने में तो वो तो गोप नहीं, वो तो गोपी नहीं, वो तो गोप है। अभी शंकर तो कुछ नहीं बोल पाए, जब कुछ नहीं बोल पाए समझ गए यही दुष्ट कहाँ से बैठी हुई, चोटी पकड़ करके उनको निकाले। इतने में शंकर जी रोने लग गए, इतने में जोग माया आ गई, बोले मेरे आदेश से इसने यहाँ पर बैठा हुआ है। इतने में कृष्ण भी आ गए, बोले भोले तुम कैसे आ गए हो, बोले प्रभु तुम्हारी बंसी ध्वनि सुन करके मेरे मन में भी इच्छा हुई आपका रास दर्शन करने के लिए। देखो ये रास का कितने महत्व है, बोले शंकर जी आप तो ऊपर से गोपी मूर्ति धारण किए हो लेकिन आपके अंदर में गोपी भावना नहीं। देखो ये कहाँ भोले बाबा जो सत्यम शिवम सुंदरम देव देव महादेव, ये रास लीला की कितने महत्व है, ये शंकर फिर क्यों गोपी बने, शंकर जी क्यों गोपी बने, इन्होंने गोपी रूप भी धारण कर लिए लेकिन गोपी प्रवेश तो दूर की बात है, नाचना तो दूर की बात है, लेकिन उनको दर्शन करने का भी रास उनकी सौभाग्य नहीं हुआ, दर्शन तक भी नहीं कर पाए शंकर जी, इतने ये रास लीला की महत्व है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर ये रास लीला को कोई अगर श्रद्धा पूर्वक गुरु जी की वैष्णव का मुंह से अगर ये रास लीला को श्रवण करे ना, उसका हृदय रोग अपहनति, उसका जो हृदय रोग काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य एकदम उसकी नष्ट हो जाता है। बोले श्री रास रचैया भगवान की, जब रास बिहारी भगवान की जय, जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाले राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे सुन के मीठी मोरलिया सुन के मीठी मोरलिया श्याम संग
ग्वाल बाल और गैया, ग्वाल बाल और गैया। संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। कानारा सरचावे, कानारा सरचावे। गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। कान्हा के मुरलिया पे राम संग राधा नाचे रे, राम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। दो आखे कजरारे, दो आखे कजरारे। पालनहारे जग का पालनहारे, सबिहारी संग राधा कुमारी संग, राम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
से वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। अभी कृष्ण जब ब्रज लीला कर रहे थे, एक दिन श्री नारद जी आए, बोले ठाकुर जी आप ब्रज में इतने डूब गए हो, आपको थोड़ी याद करो, आप कौन, क्यों आए, किस लिए आए? प्रभु जी अभी बड़े बड़े दैत्य बैठे हुए हैं, कंस को उद्धार करना, जरासंध, शिशुपाल और कितने, इनको उद्धार करना है। प्रभु जी जल्दी जल्दी थोड़ा में चलो, अगर आपकी आदेश हो ना मैं प्लेटफॉर्म बना दूं। बोले बना दो। इतने में नारद जी आकर कंस को भड़काए, बोले महाराज कंस आपको पता है ये कृष्ण बलराम कौन? बोले कौन? बोले देखो ये जो आकाशवाणी हुई थी ना ये कभी झूठा नहीं होती है। बोले फिर? बोले वसुदेव ने कहा सारे बच्चे तेरे को दे देंगे। बोले हाँ। बोले तू नाक में सोरिस तल दे करके रात को सोते रह गया और उसने राता राती किया किया कृष्ण को लेकर के गोकुल में पहुंचा दिया। ये जो कृष्ण बलराम है ना वसुदेव का लाला। इतने में तो कंस को बड़ा क्रोध आया, उसने मयाने से तलवार निकाले। बोले अभी मैं मारना चाहता हूँ। बोले देख जोश में अपना होश को मत खोया करो। माता जी खड़े मत हो, चुपचाप बैठ जाओ, सामने जो बैठे हो ना चुपचाप बैठ जाओ। इसलिए जैसे तुमने अघासुर बकासुर को भेजते रहा, कृष्ण मारते रहे, अभी भी तेरे पास में कोई कमी थोड़ी है। तुम आठ भाई हो, चारणों मुष्टि की साल तोसल कुबले हाथी, कृष्ण को धनुष यज्ञ की बहाना से बुलाओ, मिल कर कहीं पर पीस डालेंगे। बोले गुरु जी के बगैर तो कोई ज्ञान होता ही नहीं। गुरु जी आप बहुत अच्छे ज्ञान दिया। लेकिन नारद जी कंस को मारने का प्लान बनाकर चले गई। हे नारद जी वहां से भग गई। उन्होंने अक्रूर को दे करके कृष्ण बलराम को उन्होंने बुलाया मथुरा में। जब कृष्ण मथुरा मुरी में प्रवेश किए, बड़े दिनों से तरस रहे थे कब हम कृष्ण दर्शन करें। बोले क्यों? जिसने 5-6 दिन में पुतना को मारे, 1 महीना में त्रिणामवर्त, 3 महीना में उन्होंने सकाडासुर मारे और उन्होंने बकासुर अघासुर जब गिरिराज को उठा लिए, उन्होंने काली और नाग पर नृत्य किया। बोले बावारी इतने पराक्रमी, तरस रहे थे लेकिन कंस के डर से कोई आए नहीं। जब आज कृष्ण बलराम प्रवेश किए, मथुरा प्रसन्न हो गई। जिस गली में जाए बोले श्री कृष्ण बलराम की, पीछे वाला तो जय हे बोल रहे, जोर से बोलो बोले श्री कृष्ण बलराम की। अभी जिस गली में जाए, कृष्ण के साथ में सखाए थे। बोले कन्हैया क्या तेरे को इसको पहले से जानते हैं? क्योंकि जिस गली में जाओ तेरे जय जयकार क्या चक्कर है? बोले तुमको पता नहीं, ये कंस मेरे खास मामा लगते हैं, तभी तो मेरे को सोने की रथ भेज करके मेरे को बुलाए। बोले तू बोला नहीं क्यों? बोले क्यों? बोले देख ये मथुरापुरी कितना दिव्य सुंदर है और हमारे कपड़े देख रहे फटे फूटे महिला कपड़ा है। बोले चाहते हो क्या? बोले बढ़िया चमकीले चमकीले वस्त्र हो जाए। बोले आगे चलो, जो धोबी था कंस के लिए बड़ी सुंदर एम्ब्रॉयडरी, सोने की जरी की एम्ब्रॉयडरी मखमल बल कपड़े में बना करके ले जा रहे थे कंस के लिए। इतने में कृष्ण ने कहा भैया हमारी सखाओं को थोड़ा पहना दोगे? बोले कहाँ गैया को पीछे डोलने वाले वृंदावन में रहते हो, यहाँ महाराज कंस का वस्त्र पहनने का शौक? ज्यादा बोलोगे ना, कंस जिस काम के लिए बुलाए वो काम हम कर देंगे। कृष्ण ने देखा है तो ज्यादा ही बोल रहा है, देखा ये धोबी कौन है? तृतीया युग में माता सीता के ऊपर जो अंगुल उठाया था कृष्ण, एक थप्पड़ मारे ना सर को शरीर से अलग कर दिए। बोले भैया इसका हाथ में क्या अस्त्र फिट करके रखा, एक थप्पड़ मारे तो एकदम सर ही अलग हो गया। बोले भैया वही पुतना अघासुर को मारने वाले सारे कपड़े थपड़े थे फेंके और भाग गए। कृष्ण का उठा लो अपना मन मर्जी, लेकिन वो तो महाराज कंस के लिए और ये छोटे छोटे बच्चे सखा जो पहनी करके चलने लगे, रोड साफ होने लग गया। बोले कन्हैया अच्छा नहीं लग रहा है। बोले आगे चलो, एक टेलर आया। बोले भैया हमारे सखाओं का साइज का थोड़ा बना दोगे? अरे उसको पास में बहुत सारे मिस्त्री थे, फटाफट उनको नाप को लेकर बना दिया, आशीर्वाद दिया, बच्चों खूब फलते फूलते रहो, ठाकुर का आशीर्वाद है ना। अभी भी टेलरों के पास में जाओ 100 रुपया 500 रुपया से कम नहीं मांगते हैं, ठाकुर का आशीर्वाद है ना, तुम खूब फलते फूलते रहोगे। इसलिए और थोड़ी आगे गए। बोले कन्हैया थोड़ी गले में फूलों की माला की व्यवस्था हो जाए तो आनंद आ जाएगा। आगे सुदामा माली मिला, उन्होंने बड़े सुंदर ठाकुर सखाओं को सजा दिया, ठाकुर उन्हें भी आशीर्वाद दिया। बोले कन्हैया एक चीज की कमी कसर रह गई। बोले किस चीज की? बोले तिलक थोड़ा हो जानी चाहिए। हाँ देखो जब तक हमारे तिलक नहीं होना तब तक हम पूरा नहीं है।
इसलिए तिलक के बगैर, हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं जिसके ललाट में तिलक नहीं है उसका ललाट स्मशान के बराबर है, इसलिए तिलक जरूर होनी चाहिए। देखो आप लोग तो हिंदू लोग हैं, देखना जब कोई ब्राह्मण घर में पूजा कराने आएगा बगैर तिलक के पूजा नहीं करवाता है। जैसे कोई अच्छे बिजनेस में जाता है हम क्या करते हैं, तिलक लगा कर भेजते, बेटा तेरे काम बन जाए हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं टीचर थे, एक छात्र ने बगैर तिलक के आ गया क्लास में बैठने के लिए, महाप्रभु ने दिल बोले तिलक नहीं लगाया, घर में जा तिलक लगा करके आओ हैं। ये जो तिलक है ये गोपियों की चरण धूलि है। देखो ये ब्रह्मा है, ये विष्णु और ये महेश है, और ये दो ठाकुर की चरण है गोविंद देव की। इसका नीचे देखो जैसे ठाकुर की चरण में हम तुलसी दल देते हैं, ये तुलसी पता जैसे है। इसलिए तिलक की बड़ी महत्व तिलक की, और जो हम जो तिलक लगाते हैं ये तिलक आता है कहाँ से, ये द्वारका से आता है, ये गोपियों की चरण धूलि। नारद जी ब्रज से लेकर गए थे द्वारका में भगवान को, कृष्ण स्वयं स्नान किया तो उनका सर दर्द बुखार सही हुआ। इसलिए तिलक की बड़ी महत्व, ये जो तिलक है ना मैया जसोदा रोज गोविंद देव को लगाती हैं। जब पुतना आ गई थी, पुतना जब मार डाल ठाकुर जी, मैया स्वयं तिलक लगाती हैं ललाट के सवाय नमो, किसको, गोविंद देव को। उधर नारायण नमो वक्ष माधवाय नमो कंठे गोविंदाय नमो, दक्षिण पार से विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम बामन श्रीधर ऋषिकेश दामोदर पद्मनाभ, ये बारह तिलक हम पूरा शरीर में लगाते हैं। ये ठाकुर जी का बारह नाम है। अगर ये तिलक कोई आप लगाओगे ना, आपका शरीर में कोई भूत पिशाच दानव डाकिनी साकिनी कोई भी तुम्हारी शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, इतने महत्व ये तिलक की। इसलिए आप लोग जरूर ऐसे तिलक, ऐसे नहीं फोटा, नहीं फोटा तिलक विधान नहीं, फोटा लगाओगे ना घूमते रहोगे संसार में। इसलिए तिलक होनी चाहिए ऊर्ध्व पुंड्र। अब देखो भगवान गोविंद देव को देखो तिलक खड़े होगा, भगवान राम को तिलक देखो पूरा खड़ा तिलक होगा, भगवान नारायण को देखो, देखे हो नारायण का, उनको तो आधा मुंह देखोगे तिलक, हनुमान जी को देखे हो तिलक कैसे हैं राम का जैसे तिलक, गणेश जी को देखो तिलक कैसे देखो खड़े तिलक देखोगे। इसलिए तिलक फोटा तिलक नहीं, तिलक होनी चाहिए लंबी तिलक होनी चाहिए, जो इसका नाम ऊर्ध्व पुंड्र ऊर्ध्व नयति, जो हमें भगवान तक ले जाए, ये तिलक का बड़ी महत्व है। इसलिए जैसे एक स्त्री जब सद्धज करके पत्नी को पति को सामने जाती हैं, जैसे पति खुश हो जाते हैं जब हम श्रृंगार करके जाएंगे, श्रृंगार किया तिलक और गले में तुलसी कंठी हैं। जैसे कोई कोई कहते ना ऐसे तिलक लगाने का क्या जरूरत है, भक्ति कर अंदर में रखो ना, बाहर दुनिया को थोड़ी दिखाने का जरूरत है। कुछ कुछ कहते हैं ना, जैसे आपके एक उदाहरण देता हूँ, तुम्हारी पति जीवित है, पति तुम्हारी जीवित है, तुमने सारे सधवा का श्रृंगार को उतार दो, एकदम सफेद विधवा का कपड़ा पहन कर पति को सामने चले जाओ, तुम्हें पति स्वीकार करेगा कि नहीं बताओ, बोलो आपको पति स्वीकार करेगा कि नहीं। वो बोलेगा जिंदा रहते रहते क्या मेरे को खत्म तुमने कर दिए हो, वो बोलेगा ना जिंदा रहते रहते क्या तुमको खत्म कर दिए, क्यों पति को अंदर में रखो ना, बाहर दिखाने का क्या जरूरत है, मांग सिंदूर है नाक में बेसर सब पहनने का क्या जरूरत है, दुनिया को क्यों दिखा रहे हो, अंदर में पति को रखो ना। पति कब बना है, शादी से पहले कोई मतलब था, बीच में डाइवोर्स हो गया तो गया है, टाटी पेशाब थली की जो पति को, इसी के लिए तुमने इतने श्रृंगार धारण कर लिए, जो असली पति हमारी है उसके लिए तुम्हारे पास में क्या लक्षण है। इसलिए शास्त्र कहता है अगर गला में तुम्हारी कंठी नहीं तिलक नहीं, जितने तुम गोविंद के पास में जाओ गोविंद तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, शास्त्र कहता है स्वीकार नहीं करेंगे। बोले क्या लक्षण है तुम्हारे शरीर में, तुम मेरे भक्त हो, क्या तुम्हारे शरीर में चिन्ह है, दुनियापति के लिए तो मरण, टाटी पेशाब शरीर के लिए तो तुमने इतने श्रृंगार तुमने भर दिया अपना ऊपर में, मेरे लिए तुमने क्या लगाया, क्या शरीर तुम्हारे प्रमाण है, तुम मेरे हो, शास्त्र कहता है ठाकुर स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये कृष्ण स्वयं है। इसलिए बगैर तिलक के आ गए तो महाप्रभु क्लास में बैठने नहीं दिए, तिलक लगा करके आओ, मतलब किया जब तक तुम तिलक नहीं लगाओगे ठाकुर जी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। ठाकुर जी अगर चाहते हो हम ठाकुर जी के हैं, गले में कंठी तिलक और भगवान की माला तुम्हारे पास में होनी चाहिए। जैसे एक सती पतिव्रता नारी जब श्रृंगार करके जाती है, पति उसको मान लेती है, मेरे पति है, ये मेरे पत्नी है, ठीक है ना, इसलिए जरूर तिलक। इसलिए देखो सखा लोग बोले कन्हैया थोड़ा तिलक का हो जाए तो आनंद आ जाएगा। बोले आगे चलो कुबड़ी को देखा, जो कंसों को बड़े सुंदर श्रृंगार करती है, बोले कुबड़ी कुब्जे कुब्जा सुंदरी
उसने देखा भैया मेरे को सुंदरी कौन बोल रहा है, देखा कृष्ण बलराम, बोले हमारी सखाओं को थोड़ा तिलक लगा दोगे। तब उन्होंने कृष्ण बलराम सखाओं को बड़े सुंदर तिलक लगा दिए। सखाओं ने कहा कन्हैया तू तो कल लेना जाने तो देना सिखाई नहीं। बोले किस चीज की? बोले देख ये तीन जगह से टेढ़ी कैसे। बोले मैं भी टेढ़ो है ना, ये भी टेढ़ी है, इसलिए जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। बोले थोड़ी सी सही कर दो ना, एक प्यार में एक प्यार रखे, थोड़ी में हाथ रखे, कमर में हाथ रखे, एक झटका मारे ना वो सीधा हो गई हैं, और इतने सुंदरी बन गई, अपना रूप को देख करके काम में मुग्ध हो गई। इतने में कृष्ण का दोपटा पकड़ लिए, बोले प्रभु ये सुंदर आप दिए हो, आप ही इसको भोग कर सकते हो। बोले तेरे शर्म नहीं लग रही? यहाँ दाऊ जी जेठ खड़े हुए कपड़े पकड़ कर खींच रहे हो, इसलिए अभी नहीं कंस को उधार करके आऊंगा मैं। फिर आगे जब गए उन्होंने क्या देखा, वो धनुष रखा हुआ, वो परशुराम का था धनुष। जब कंस त्रिभुवन को विजय करते करते परशुराम के पास में गए, परशुराम ने कहा मेरे साथ में युद्ध क्या करोगे, ये धनुष को उठा करके तू दिखा दे। सचमुच से कंस इतना पराक्रमी था और धनुष को उन्होंने उठा दिए। भगवान परशुराम मान गए, बोले ले ये धनुष तू ले ले, लेकिन ध्यान रखना ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता, सावधान से रखना। जब कृष्ण बलराम गए, धनुष यज्ञ हो रहा था ना, विशाल धनुष है हैं, जिसको 400 लोग उठा कर ले जाते थे, बड़े बड़े पहलवान घेर खड़े हुए थे। इतने में कृष्ण बलराम गए, कृष्ण ने कहा दाऊ भैया थोड़ी सी ये धनुष को उठा करके देखो। वहां पर जो बड़े बड़े योद्धा थे बोले देखो दूध दांत भी नहीं टूटा, कहते धनुष को उठाएगा, जिसको 400 व्यक्ति उठाते हैं। और देखते देखते कृष्ण छलांग लगाए अंदर में, और उन्होंने धनुष को उन्होंने एक हाथ से उठा करके जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए, धनुष दो टुकड़ा हो गया। इतने जोर से आवाज हुई, एकदम कांप गया मथुरापुरी। किसने और इतने में सब जो पहलवान थे बोले मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, धनुष तोड़ दिया। कृष्ण ने कहा दाऊ हम तो साथ में कोई अस्त्र शस्त्र लाए नहीं, उनकी बंसुरी और उनकी बेणु श्रृंगा है, बोले धनुष का एक टुकड़ा तू पकड़, मैं एक टुकड़ा पकड़ता हूँ। ऐसे पिटाई करना शुरू किया, भगदड़ मच गई वहां पर, सब जी जान लेकर भाग गई। किसने जाकर कंस को बोल दिया तो बोले हे भगवान मैंने ये कृष्ण को जान बुझ कर काल को क्यों बुलाया, उसको परशुराम का याद आ गया, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता है। ये नारद बाबा बड़े दुष्ट है, ये हमें क्यों जानबूझ कर ये काल को मैंने क्यों बुला दिया, रात भर नींद नहीं आई इसको, जब सोयना स्वप्न देखे गद्दे को पीठ पर बैठ के दक्षिणी तरफ में जा रहा है, और शीशा देखे तो शरीर नहीं दिखता है, चलता तो परछाई में छेद, इस मृत्यु का सब लक्षण है। इतने में बोले बड़ा मंच बनाओ जैसे कृष्ण मेरे पास में नहीं आ पाए। इतने में कृष्ण बलराम जब गए, जब उन्हें रंगशाला में प्रवेश किया, जिनकी भावना रही जैसी हरी मूरत देखी तिनी तैसी, इसकी जिस मन में जिसको मन में जैसे भावना उसी अनुरूप कृष्ण को दर्शन किए। बोले मल्हानाम असन नृणाम, कर जितने मल्ल थे देख रहे थे साक्षात मृत्यु ये काल, जितने स्त्रियां थी वो क्या देख रही थी सख्यात ये कामदेव, जितने माताएं थी बोले इसका दूध दांत तो नहीं टूटे, जितने ऋषि मुनि देखा यही परतत्व है, और जितने पहलवान थे बोले ये बलवान से भी ये बलवान है। इतने में चारणों मुष्टि को साथ में भीड़ गए, जब भीड़ गए चारणों को साथ में कृष्ण, मुष्टि को साथ में दाऊ भैया, और चारणों को साथ में युद्ध होते 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 कृष्ण ऐसे एक धोबी पछाड़ मारे वहीं पर समाप्त कर दिए। दाऊ भैया बोले तेरा नाम क्या? बोले मुष्टि। बलदेव उठाया एक मुष्टि का घात मारे, एक एक मारे तो वहीं पर उनको छक्का छुड़ा दिए। इतने में सल तो सल आ गए, उनको भी मार डाले, और जितने पहलवान थे ना भाग गए वहां से। बोले भैया जिंदा रहेंगे तो हम चौकीदार करके पेट पाल लेंगे हैं। इतने में कंस ने कहा दोनों को पकड़ लो जेल में बंद करो, वसुदेव को मार डालो, नंद बाबा को जेल में बंद करो। बोले मामा जी बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे करके बड़े बड़े बात कर रहे हो, कृष्ण एक छलांग लगाए तो ऊपर पहुंच गए। बोले अरे ये कैसे आ गया यहाँ पर, मैं तो बड़ा ऊंचा आसन बनाया था। इतने में कंस को पकड़े चोटी, बोले याद है एक दिन मेरी माँ की चोटी को तुमने पकड़ा था, जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देते हैं, स्त्रियों को अपमान करते हैं, मैं उनको दंड देने के लिए आए, पकड़ा चोटी झांग झोर करके एक झटका मारे तो ऊपर से नीचे गिरा दिए, और नीचे गिरते गिरते वहीं पर राम नाम सत्य हो गया कंस का।
इतने में उसकी दो पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों आ गई, रोने लग गई। कृष्ण भी थोड़ा रोए, बोले मामी मामी, मैं तो मामा को साथ में ऊपर मिलने के लिए गया था, मेरे को क्या पता था इतना जल्दीबाजी करेंगे। वो जल्दीबाजी से मिलते मिलते उनको प्यार स्लीप हो गया और ऊपर से गिर पड़े। अच्छा हुआ वो नीचे में ऊपर आ गया, नहीं तो मेरा भी राम नाम सत्य हो जाता। इसलिए कृष्ण भी ऊपर से थोड़ा रोए और उनको लेकर के विश्राम घाट में, जहाँ पर ध्रुव घाट, वहीं पर उनका दाह संस्कार की और विश्राम घाट में स्नान करते हुए ठाकुर जी जहाँ पर विश्राम किया था उसका नाम गतश्रम टीला, जहाँ पर अपना श्रम को दूर किया था। बोले श्री कृष्ण बलराम की, बोले श्री कृष्ण बलराम की। इतने में अस्थि प्राप्ति जाकर के उन्होंने अपना पिताजी को जरासंध को भड़काए, उसने 70 बार आक्रमण किया, 18 बार में ठाकुर जी रण छोड़ करके चले गए। इसलिए ठाकुर जी का एक नाम हो गया रण छोड़ हो गया। बोले श्री रण छोड़ भगवान की। हाँ, किस किस को कृष्ण रुक्मिणी बनाया है किसको? हाँ नहीं, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर बाद में उनको बुलाऊंगा। देखो हरे कृष्ण। हाँ देखो, अभी हम लोग भागवत का जो सार है, कोई बात मत करो, ये भागवत का जो सार को हम श्रवण करेंगे, कि जो एकादश स्कंध है भागवत का, हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे उसको उपाय है। बोले एक समय द्वारका में बहुत बड़ी यज्ञ हो रही थी, जो यज्ञ का नाम था विश्वजीत महायज्ञ। हाँ, विश्व शांति महायज्ञ, ध्यान देकर सुनो, बात मत करो माताएं। इसलिए जिसका नाम था विश्व शांति महायज्ञ, जिसमें स्वयं कृष्ण बलराम, उनको 16,160 पटरानियां, देवकी वसुदेव, बड़े 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 ऋषि मुनियों को बुला करके, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे सबके सब। नियम है जब यज्ञ हो, बीच में जब तक पूर्णाहुति नहीं होता है ना, बीच में बंद नहीं करनी चाहिए। ठीक बीच में देखा आकाश से एक ज्योति को उतरते हुए। बोले भैया ये ज्योति कहाँ से उतर रहे हैं? जब धीरे धीरे वो ज्योति उतरा ना, देखा उसने नारद जी। जब नारद जी को देखे, वसुदेव महाराज खड़े हो गए, बोले यज्ञ बंद करो, यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यज्ञ का जो फल है वो साक्षात रूप में बीच में आ गए। वो यज्ञ के लिए जितना सामग्री था, नारद जी को सिंहासन पर बैठाए, नारद जी के चरण को उन्होंने अभिषेक किए, भगवान स्वयं द्वारकावासी अभिषेक का पानी लिए, पूरा उनको द्वारका में नारद जी की चरणामृत को छिड़काव करवाए और उनकी चरण में बैठी करके वसुदेव महाराज कहते हैं, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देखो ध्यान देख सुनो, कितने बड़े यज्ञ हो रहा था, जहां पर साक्षात ठाकुर जी, ये गोविंद देव, जहां पर दाऊ भैया, 16,108 पटरानियां, लेकिन विश्व शांति महायज्ञ, जिसमें विश्व का शांति हो। लेकिन जब नारद जी आए ना, उन्होंने सारे यज्ञ को बंद कर दिया। बोले यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, यज्ञ का फल साक्षात रूप में आ गई। और उन्हें नारद जी के चरण में बैठे करके चरण धोए, चरणामृत लिया। अभी प्रश्न यहाँ पर उठता है, भैया जहाँ पर स्वयं भगवान बैठे हुए, उनको पिता माता भी, उनका इतने रानियां बैठी हुई, लेकिन जब नारद जी आए ना, क्या हुआ? सारे यज्ञ ठप। तब नारद आने पर ऐसे क्या चीज उनको मिल गया जो कि यज्ञ को बंद कर दिया, इतने बड़े यज्ञ को, और उनके चरण में बैठी करके कह रहे हैं दुर्लभ मनुष्य जन्मम, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, जिसको 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिलता है। इसलिए ये मानव शरीर नहीं, ये क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, बोले साधन धा मो मोक्ष करे द्वारा, साधन धा मो मोक्ष करे द्वारा, असाधन धा मोम मोक्ष करे द्वारा, साधन धा मोम मोक्ष करे द्वारा, अपाई न जे पर लोक सवारा, पाई न जे पर लोक सवारा, साधन धा मोम मोक्ष
इसलिए यहाँ पर भगवान राम ये बात को कह रहे हैं, बोले देखो अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये क्या है, बोले साधन धाम, मतलब है ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये जीवन मिलता है, और ये ऐसे के जीवन है, इसी जीवन में ही भगवान की भक्ति हम कर सकते हैं। केवल 84 लाख जन्म में एक जीवा मिला जिसमें हम गोविंद देव का नाम ले सकते हैं, कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हैं, दो ही कान हमें मिले हैं जिसने भगवान की हम कथा सुन सकते हैं, दो ही हमें हाथ मिला है जिन्हीं हाथों से ठाकुर को हम सेवा कर सकते हैं, दो ही प्यार मिला है जो घर से यहाँ तक आप लोग सत्संग में आए हो, एक ही हृदय मिला है जिन हृदय में गोविंद देव का हम स्मरण कर सकते हैं। अब इंसान के अलावा और भी 84 लाख जन्म में किसी को भी बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण बोले, कोई कर सकता है? आप जैसे यहाँ पर बैठे हो, एक सुअर अगर सोचे भैया यहाँ ठाकुर जी कथा हो रही है, चलो थोड़ा ठाकुर कथा सुनेंगे, वो गेट में घुसेगा? घुसते डंडा लेकर उसको मारकर भगाएंगे। अगर कोई कुत्ता सोचे भैया यहाँ भागवत कथा हो, चलो कुत्ता सोचे थोड़ा सुनने के लिए आए, घुसने उसको देंगे डंडे मारकर भगाएंगे? इसका मतलब है ये मानव शरीर के अलावा कोई भी यहाँ बैठने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम, मतलब इसी शरीर से ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और कोई भी प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन जिनको ठाकुर जी ये मानव शरीर दे दिया, लेकिन बावजूद भी जो भगवान की भक्ति नहीं किया, कद पाई न जई पर लोक सवारा, जिन लोगों ने ये मानव शरीर पा करके भगवान की भक्ति नहीं की, उसका दूसरी लाइन में ठाकुर जी कहते हैं फिर तो सर पिटते रह जाओगे, अगर गधे कुत्ते बने ना सर पिटते रह जाओगे, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते हो, फिर उधार होने वाले तुम्हारे नहीं, इसलिए जीवन रहते रहते क्या करो, भगवान की भक्ति कर लो। इसलिए लेकिन भक्ति करेंगे कैसे, इसलिए कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ नाश होई। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होता है ना, तब तक जीवन में ये सत्संग नहीं मिलता है। अजीव को जब तक ये सत्संग नहीं मिलता है, तब तक जीव को ज्ञान नहीं मिलता है, और जब तक ज्ञान नहीं मिलता है तब तक जीव भजन भी नहीं कर सकते। इसलिए नारद जी आए तो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जीवन का जितने हम सत्कर्म करते हैं इसका फल क्या है, बोले संतों का संग, संत दर्शन ही, यही सत्संग की, यही सारे शास्त्र का जो निचोड़ है ये सत्संग ही। ए क्यों बंद कर चुपचाप बैठ जा, इसलिए साधु संग अगर जीवन में हो गया ना, संतो पुरुष का दर्शन हो गया, तो क्या समझो भगवान मिलने में और कोई देर नहीं। इसलिए इतने बड़े यज्ञ हो रहा था, यज्ञ को बंद कर दिए और नारद जी को बैठा करके चरण पूजा की, कौन सख्यात गोविंद देव चरण में बैठी करके क्या प्रश्न कर रहे हैं, आप कृपा करके बताओ जीवन में शांति कैसे मिलेगा, जीवन में शांति कैसे मिलेगा, भगवान स्वयं पूछ रहे, वसुदेव महाराज पूछ रहे नारद जी को। तब नारद जी कहते हैं देखो यही प्रश्न एक समय नेमी महाराज का दरबार में ये नव जोगेंद्र आए, एक समय यही नेमी महाराज उनको यही प्रश्न किया था, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, तब उनको उत्तर देते हैं, बोले भैया अशांत का कारण क्या है, हम कहते शांति कैसे मिलेगा, फिर ये अशांति क्यों, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई पैसा से दुखी, दुखी दुखी दुनिया को देखो सब दुखी दुखी, कहते ये दुख का कारण क्या है, देखो ये नारद जी कहते हैं, बोले भयम द्वितिया विनिवेशत स्यात् इसात् अपेत विपर्जय स्मृति, जितने दुख का एक ही कारण है, हमने भगवान की भजन को छोड़ दिए, छोड़ करके माया की सेवा में हमने लग गए, सारे दुख का यही कारण है, जो आनंद कंद है, जो आनंद स्वरूप, जो रस स्वरूप, जो गोविंद देव है, इनकी भजन को भक्ति को छोड़ करके हम माया की सेवा में लग पड़े। लेकिन हमारा वृत्ति क्या है, सेवा करना हमारा वृत्ति है, सेवा करना वृत्ति है हमारे अंदर, सेवा करने का वृत्ति, अगर सेवा करने का कोई अगर नहीं मिलता फिर कुत्ते को प्रेम करने लग जाते, उसकी सेवा करने लग जाते हैं, नहीं तो घर में बिल्ली पालना शुरू कर देते हैं, क्यों वृत्ति किसकी सेवा करना, इसलिए भैया इनको क्यों सेवा करोगे, सेवा करना तो गोविंद देव को सेवा करना, ठाकुर को सेवा करो, इसलिए सारे दुख का कारण भगवान को भूल जाने का नाते, फिर क्या करेंगे,
बोले क्या करेंगे, बोले भक्तई का ए सम गुरुदेव आत्मा, किसी सदगुरु का चरण में आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि जब तक हम जीवन में कोई सदगुरु ग्रहण नहीं करते हैं हमें ज्ञान बताने वाले कोई नहीं रहेगा, इसलिए सदगुरु को आश्रय करते हुए क्या करो, भगवान की भजन करो। फिर आप लोग बोलोगे भैया भजन तो बड़ा कठिन चीज है, देखो यहाँ कहते हैं, बोले भजन सबसे सरल उपाय, इससे सरल जगत में कुछ नहीं, भक्ति के लिए ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, जो कर रहे हो वही करो, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल भावना को बदला दो, क्या करो अपना भावना को बदला दो। बोले कैसे, उदाहरण दिया है जैसे पैसा कमा रहे हो, भैया बगैर पैसा तो कुछ नहीं होगा, लक्ष्मी तो चाहिए सभी को, लेकिन लक्ष्मी कौन है, भगवान की पटरानी, लक्ष्मी आपका ना, लक्ष्मी गोविंद देव का, बताओ लक्ष्मी किसकी है, लक्ष्मी ठाकुर का ना, लक्ष्मी तुम्हारी है, बोलो जोर से ठाकुर जी की लक्ष्मी कमाओ। बोले क्यों, बोले ठाकुर को सेवा के लिए, अगर ये ठाकुर को सेवा में अगर ये लक्ष्मी लग गई फिर तो लक्ष्मी खुश हो जाती, बोले बेटा खूब सुखी रहो, खूब आनंद में रहो, अगर लक्ष्मी को तुम भोग करने चाहोगे, अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लगाओगे लक्ष्मी को, फिर वो लक्ष्मी घर में शांति सुख नहीं देगी, क्यों, ये लक्ष्मी गोविंद देव का है, ये नारायण की लक्ष्मी, अगर तुम उसको भोग करने चाहोगे, इसलिए पहले सुना ना लक्ष्मी की दो वाहन है, कितने वाहन है, एक उल्लू और एक गरुड़, लेकिन उल्लू के ऊपर लक्ष्मी अकेली बैठती है, अगर घर में कोई लक्ष्मी को बुलाए, क्यों लक्ष्मी आओ हम आपको भोग करेंगे, अब से हम भोग करेंगे, फिर बोले तू मेरे को भोग करोगे, लक्ष्मी फिर उल्लू के ऊपर बैठ कर के आएगी, फिर हमें उल्लू के पट्टा बने देगी, उल्लू बनाएगी फिर हमें, अगर लक्ष्मी को बुलाओ, क्यों लक्ष्मी नारायण की, उसको सेवा के लिए बुलाओ, लक्ष्मी अकेली नहीं, फिर गरुड़ को पीठ के ऊपर बैठ करके और नारायण को साथ में लक्ष्मी घर में आएगी, और जिस घर में नारायण आ गए बस घर तो भगवान की धाम ही बन गया। इसलिए कहते भक्ति सबसे सरल है, क्या करो पैसा खूब कमाओ, किस लिए कमाओगे, बोले गोविंद देव की सेवा के लिए कमाओ, हैं रसोई बनाओ रोज रोज बढ़िया बढ़िया, अभी कौन पकौड़ा है क्या बना, पोष बड़ा भी बन रहा है, हाँ ये जयपुर में प्रसिद्ध है, रोज रोज पोष बड़ा बनाओ, बढ़िया बढ़िया सब्जी, बड़े 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 सुंदर सुंदर पकवान बनाओ। बोले क्यों बना रहे हो, बोले ठाकुर को भोग में लगेगा, ठाकुर जी की भोग में लगाएंगे, बस हो गया हैं, ठाकुर जी को घर में जो कुछ बने सबसे पहले गोविंद देव को सबसे पहले भोग लगाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकरणात्, जो मेरे लिए नहीं बना कर खुद के लिए बनाते हो खुद खाते हैं वो केवल पाप भोजन करते हैं, लेकिन जो मेरे लिए बनाते हैं वो अमृत भोजन करते हैं। मनुसहिता कहता है स्वान बिष्टा समचरण, मतलब जो गोविंद देव की सेवा में नहीं लगता है वो कुत्ते का बिष्टा की बराबर है, पानी पेशाब के बराबर है, जो भगवान की सेवा में नहीं लगता है। इसलिए घर में जो कुछ खाना बने सबसे पहले ठाकुर को गोविंद देव को तुलसी पत्ता से ठाकुर जी को पहले भोग लगाओ। देखो ये सुदामा पहले ये गरीबी था बाद में धनी बना, ये पहले गरीब क्यों बन गया था, आप लोग टीवी में देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे उनको गुरु माता ने उनको चाना दिया था, बोले बेटा तुम कृष्ण को देकर खाओ, लेकिन उसने क्या किया भगवान से छुपा छुपा कर खाया, इसलिए उसको गरीब भोगना पड़ा। धनी कब बना, जब उसको पत्नी को पता चला इनकी बचपन का दोस्त अभी द्वारकाधीश है, बोले ठाकुर का दर्शन करके आओ, बोले खाली हाथों से नहीं जानी चाहिए, उनने दो मुट्ठी भिक्षा लेकर के चिड़वा लेकर के गई, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रही थी रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, बोले नहीं आपने दो मुट्ठी खा लिया मतलब उसको घर में सारे ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाऊंगी। और जब सुदामा आया क्या देखा, सोने की महल, पत्नी राज रानी बनकर के बैठी हुई, पहचान नहीं पा रहे, हजार हजार दास दासियां सेवा कर रही है। यहाँ शिक्षा देते हैं अगर ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे ना घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, अगर बिना भोग लगाए खाओगे फिर तो दरिद्रता आएगी घर में, दरिद्रता, अगर पैसा भी आ भी जाएगा ना घर में शांति सुख नहीं रहेगी, क्यों लक्ष्मी अभी ठाकुर को सेवा में नहीं लग रहा है। इसलिए क्या करना, घर में जो कुछ खाना बनती है सबसे पहले ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगाओ, लेकिन अगर उसमें प्याज लहसुन डालोगे फिर ठाकुर जी को तो भोग नहीं लग सकता है, इसलिए प्याज लहसुन को वर्जित करनी चाहिए, प्याज लहसुन नहीं घर में घुसानी चाहिए, क्यों ये जो प्याज है
ये गैया का मांस से ये प्याज की सृष्टि, गैया का हड्डी से ये लहसुन सृष्टि। और भागवत में आता है जब भगवान सुदर्शन चक्र से राक्षस को मारे, उसका मांस जहाँ पर गिरा वहीं पर ये प्याज बनी, जहाँ पर उनको हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन बना। इसलिए देखना ठाकुर की सेवा में ये प्याज लहसुन नहीं लगता है। आप लोग नवरात्रि रखते हो, देखना 9 दिन तो घर में कोई ये चीज़ को नहीं घुसाते हैं। बोले क्यों? बोले माता जी को पसंद नहीं। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखना? 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा। इसलिए जो ठाकुर जी को जो पसंद नहीं है वो चीज़ को हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ठाकुर को शुद्ध रूप में भोग लगा कर खाओ। इसलिए कहते जो भक्ति है, भक्ति सबसे सरल है, भक्ति कोई कठिन वस्तु नहीं। घर में झाड़ू लगाओ। कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? बोले ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। बच्चे को थप थप लगा करके सुलाओ। जैसे गोपियाँ तो गृहस्थ में थी ना, वो थोड़ी कोई त्यागी साधु थे, लेकिन गोपियाँ क्या करती थी? अपना बच्चों को थप थप लगा कर सुलाती हैं, और इधर क्या करती? मुँह में ठाकुर जी की नाम करती हैं। बोले गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती। हे कृष्ण हे जा तब हे सखेती, गोविंद दामो दर माधवेती। इसलिए नारद जी कहते हैं भक्ति सबसे सर, सब कुछ करो, खाओ पियो श्रृंगार सब कुछ करो, लेकिन जो कुछ करो ठाकुर जी के लिए ही करो, भगवान के लिए करो, यही भक्ति हो जाएगी। फिर क्या करो? विशेष करके कलयुग में भगवान को पाने का जो मार्ग है, तो वो प्रश्न करते हैं कलयुग में भगवान कौन है, उनको भक्ति कैसे करेंगे? तो उसका उत्तर देते हैं, बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधस। हाँ, ध्यान देकर सुनो। यहाँ पर पहले से ही भागवत में बता दिए कलयुग में कौन अवतार है, इसको उत्तर नव जोगेंद्र दे रहे हैं। बोले कृष्ण वर्णम, ये जो कृष्ण, ये जो दो अक्षर जिसका जुहा में हर समय जो कृष्ण 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 हर समय जो बोलते रहेंगे। बोले तिसाम अकृष्ण, तिसाम मतलब जिनका अंग कांति कैसे अकृष्ण, मतलब काले नहीं गौर है, गौर वर्ण। बोले क्या अकेले आएंगे? बोले नहीं, वो अपना अंग, अंग कौन? नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य। बोले उनका परिकर कौन बनेगा? बोले श्रीवास आदि भक्त वृंद, उनको शक्ति गदाधर पंडित हैं। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु सच्चिनंदन गौर हरि कलयुग में कति अवतार। ये जो गोविंद देव जानते सुनो कि नहीं, गोविंद देव इनको जिन्होंने प्रतिष्ठित किए है, उनका नाम श्री रूप गोस्वामी। वो किसके भक्त है? यही चैतन्य महाप्रभु के। इसलिए गोविंद देव मंदिर में देखा होंगे उस तरफ में दो भाई ऐसे हाथ उठा करके कीर्तन कर रहे ना दोनों भैया, ये कौन है? नित्यानंद प्रभु, ये साक्षात दाऊ भैया, और चैतन्य महाप्रभु, ये कृष्ण कन्हैया। इसलिए इनका ही भक्त हुए श्री रूप गोस्वामी, जिनका विग्रह श्री गोविंद देव। उनका ही भक्त हुए मधु पंडित, जिनका ठाकुर श्री गोपीनाथ जी। इनका ही भक्त श्री जीव गोस्वामी, जिनका विग्रह श्री राधा दामोदर। इनका भक्त श्री लोकनाथ दास गोस्वामी, जिनका विग्रह राधा विनोद है। हैं, ये जितने सब ठाकुर जयपुर में, ये सब के सब महाप्रभु के भक्तों के द्वारा ये प्रकाशित सब के सब विग्रह है। इसलिए कलयुग में जो भगवान है और कोई भगवान नहीं। देखो ध्यान देकर सुनो, कभी कभी कोई थोड़ा रिद्धि सिद्धि दिखा दे ना, हम उसको पीछे पीछे भागने लग जाते, ये भगवान भगवान नहीं। भगवान तो हमारे गोविंद देव भगवान है, हैं, भगवान राम हमारे भगवान, और कोई भगवान नहीं कलयुग में। इसलिए इधर उधर किसका पीछे आप मत भागा करो, हैं। इसलिए भले इनको उपासना कैसे करेंगे? भले यज्ञ संकीर्तन प्राय यही जयंति ही सुमेधस। कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे उनको प्राप्ति का केवल एक ही उपाय है, भगवान का नाम संकीर्तन। ये सबसे ठाकुर जी सरल उपाय रखे। उनको पता है कलयुग में हम और कोई साधन भजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान करके, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी का नाम, हाथों में काम मुंह में बस हो गया, बेड़ा पार ही, इतना ही करना और कुछ करना ही नहीं। कलयुग में भगवान ने सबसे सरल उपाय बताए,
भगवान के नाम करने चाहिए। बोले भैया कौन सा नाम करनी चाहिए, ये प्रश्न होता है, हम कौन सा नाम करेंगे। हाँ ध्यान देकर सुनो, ये ऑलरेडी कली संतरण उपनिषद नारद पुराण में, भविष्य पुराण में ऑलरेडी वहां पर बता चुका है। ये सत्यजीव का लोग कौन सा नाम जप करते थे, बोले नारायण परा वेदा, नारायण परा मक्ष्या, नारायण परा मुक्ति, नारायण परा गति, ये सत्यजीव का ये महामंत्र जप करते थे, इससे ही उनको उद्धार होता था। त्रेतयाजू गाया, त्रेतयाजू का अलग मंत्र है, राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन, ये एक त्रेतयाजू का नाम था। बोले द्वापर युग में कौन सा नाम जप करते थे, बोले हरे मुरारी मधुकैट भारी, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरी, जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रंग माम जगदीश रख्य, ये द्वापर युग का महामंत्र है। बोले कलिजू का महामंत्र कौन है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का ये महामंत्र है, देखो उसमें तीन नाम है, हरे कृष्ण और राम, इसका दो अर्थ है। हरे मतलब होता है जो हमारी दुख कष्ट को हर ले, अगर भगवान का नाम हरे नाम लोगे जीवन में जितने दुख कष्ट तुम्हारे खत्म हो जाएगा। कृष्ण मतलब क्या, मन हमारे बड़ा चंचल है, इधर उधर मन भटकता रहता है। क्री मतलब होता है आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद देना, हमारा जो भटकते हुए मन को जो भटकने नहीं दे और जो जीवन में जो आनंद दे। राम मतलब क्या, बोले जीवन में हमें जो आराम दे। अगर ये नाम करेंगे ना आपको तीन वस्तु की प्राप्ति होगी, क्या होगा, जीवन का दुख जाएगा, जीवन में सुख आएगा, जीवन में आराम मिलेगा, ये एक अर्थ है। लेकिन इसका जो असली अर्थ क्या है, हरे मतलब होता है राधा रानी, कृष्ण का मन प्राण चित्त को जो हरण करती हैं, वो हरा शब्द से हरे, हरे मतलब राधे, कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब ये राधे कृष्ण, उसमें फिर हरे राम, हरे मतलब हो गया तो राधा रानी, फिर ये राम कहाँ, राधा को साथ में श्याम तो होनी चाहिए, फिर ये राम कहाँ से आए। बोले महामंत्र में जो राम शब्द है वो गोविंद देव राधा जी को साथ में रमण करते हैं, इसलिए इनका एक नाम राम है। इसलिए जो महामंत्र केवल ये जुगल उपासना का ये मंत्र श्री महामंत्र है, इसलिए कलयुग में ये सबसे सरल उपाय किया, भगवान की नाम को जप करो। और भागवत का सार किया है, इसलिए भागवत जब प्रारंभ होता है वो ठाकुर जी का नाम से ही ये भागवत प्रारंभ हुई, और जब भागवत समाप्त होता है प्रभु का नाम से। मेरे साथ में आप लोग पीछे पीछे ये नाम को बोलो, क्योंकि ये भागवत का जो समाप्त, ये बच्चा चुपचाप बैठो बैठे वहीं पर, इसलिए भगवान जब भागवत विश्राम होता है वो प्रभु का नाम से। अगर ये श्लोक को अगर आप बोल दिया ना, पूरी भागवत कथा की आपको फल मिल जाएगी। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम तम नमामि हरिं परम। बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम तम नमामि हरिं परम। इसमें बताया भगवान का नाम संकीर्तन से ही जीवन का सब दुख, इसी से ही प्रभु का नाम से सारे दुख तुम्हारी दूर होने वाले। इसलिए ऐसे जो भगवान गोविंद देव है, हम सब के सब श्री गोविंद भगवान को प्रणाम करते हैं। देखो हम नियम है, भागवत कथा से कुछ लो और भागवत कथा में दो। बोले भैया ले क्या और दे क्या, बोले जितने गंदी चीज दे जाओ यहीं पर, और ले क्या, बोले यहाँ से प्रेम और भगवान की भक्ति को लेकर के यहाँ से जाया करो, ठीक है ना। बोले गंदी चीज क्या है,
बोले चार चीज गंदी चीज है, चार चीज को हमें छोड़ देनी चाहिए, जिसमें श्री परीक्षित महाराज कली को चार जगह पर स्थान दिया। पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए, जुआ खेलने से सत्य खत्म हो जाती है। पानम किसी तरह का नस्ली वस्तु को मत लिया करो, पान बीड़ सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा फुटका ये जितने को मत लिया करो, इनको लेने से तपस्या नष्ट हो जाता है। यहाँ तक भी चाय भी नहीं पीनी चाहिए। बोले चाय में क्या दोष है, बोले चाय पत्ते में कोई दोष नहीं, उसमें एक निकोटिन कफिन डालते हैं। देखना जो व्यक्ति चाय पीते हो, चाय पीने का समय आए नहीं पियो क्या होगा, सर दर्द होना शुरू हो जाते, क्यों, उसमें जहर डाला हुआ। ये अंग्रेजी लोगों ने हमें गुलाम बनाने के लिए पहले बिना पैसा के ये चाय पत्ता बांटने लग गए। हाँ हम, लेकिन हमारे भारत के लोग ऐसे हैं ना, अगर इनको बिना पैसा में जहर भी देगा ये भी पी ले लेंगे हैं। इसलिए उन लोगों ने पहले किया, जानते हो क्या किए, बोले जो एक कप चाय पीगा उसको एक रुपया मिलेगा। उस समय एक रुपया की कीमत था, बोले दो। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा मिलेगा, बोले दो। कुछ दिन बाद में बोले कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्यों, नशा चढ़ गया ना। बोले बोले पैसा देना पड़ेगा, बोले 50 पैसा दो, बोले लो। बोले 1 रुपया दो, बोले लो। बोले 2 रुपया दो, बोले लो। बोले 5 रुपया लो दो, बोले 10 रुपया, बोले लो। इतनी सी चाय ठग करके हमें अपना बिजनेस चला दिया, 10 रुपया लेकर के, इतनी सी चाय और 10 रुपया सब ठग रहे हैं। 10 रुपया के एक गिलास दूध मिलेगा, लेकिन हम दूध नहीं पिए, क्यों, नशा चढ़ गया ना। इसलिए ये जो चाय है इसमें कफीन निकोटिन डाला हुआ है। इसलिए अब रामदेव बाबा का योगा देखो, वो क्या कहते हैं, खाली पेट में चाय पीनी चाहिए ना पानी पीनी चाहिए। अब देख कर देखना, जो खाली पेट में चाय पीते हैं गैस्ट्रिक और बहुत सारी बीमारी सृष्टि होती है, जो खाली पेट में चाय, क्यों, जहर है। हम चाय नहीं पी रहे, पैसा देकर जहर पी रहे। इसलिए कोशिश करना ये चाय को छोड़ करके हर्बल टी, गोकुल टी, ये अच्छी अच्छी चीज मिलती है जो दूध में डाल करके आप उसको पी सकते हो, ठीक है। इसलिए तीसरा नंबर है स्त्रियम। स्त्रियम मतलब कहते स्त्रियों के ऊपर में ये कली का निवास। बोले कौन सा स्त्री है, बोले जो अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष से मिलते हैं। संसार करो, शादी करके पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना गृहस्थ को, अपना गृहस्थ धर्म को निभाओ। इसलिए अवैध रूप में नहीं मिलने चाहिए स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री से, यहाँ पवित्रता नष्ट होता है। चौथा नंबर में जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस मछली अंडा ये तो आप लोग खाते नहीं, जयपुरी के लोग हैं, लेकिन एक प्याज है, एक प्याज है जो अभी हम बता रहे थे, ये प्याज भी नहीं खानी चाहिए। ये सब प्याज मांस मछली कहाँ से आए आपको पता है, ये मुगल लोगों ने लाई, मुसलमान लोगों ने लाई सब चीज। पहले हर हिंदू घर में आप स्वयं देख लो, एक पीढ़ी पहले आप घर में प्याज लहसुन नहीं आता होगा। हर हिंदू पहले ठाकुर को भोग लगा कर खाना खाते थे, खाते कि नहीं, लेकिन ये सब धीरे 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 मुगल लोग लाए और हम सब मुसलमान बना दिया हमें। इसलिए ये चीज़ को छोड़ करके शुद्ध रूप में भगवान को भोग लगा करके ठाकुर जी की प्रसाद को सेवन करो। इसलिए चार चीज छोड़नी चाहिए और चार चीज जोड़नी चाहिए। पर चार चीज क्या जोड़े, बोले पहला चीज है हर घर घर में ठाकुर का पूजा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो घर है ये भगवान की दरबार है, ठाकुर ने हमें सब कुछ दिया है। इसलिए घर में कभी कभी डग का तो रूम बना देते हैं, लेकिन गढ़ का रूम नहीं बनाते हैं। कुत्ते के लिए तो कभी कभी घर बना देते हैं, लेकिन जिसने तुम्हें सब कुछ दिया घर मकान है, लेकिन उसको, और दूसरी बात है ऐसे नहीं घर का रिजेक्ट का स्थान कोई ठाकुर का मंदिर बना दे, नहीं। भगवान खुद कहते हैं मेरे मंदिर में जो एक ईंट देता है उसके लिए गोलोक वृंदावन में राजमहल बना देता हूँ। इसलिए घर का सबसे जो बढ़िया स्थान हो वहीं पर ठाकुर जी का मंदिर हो, सबसे बढ़िया स्थान पर, क्योंकि आप जितने सुंदर ठाकुर का सेवा करोगे ना ठाकुर इतना आप फलते फूलते रहोगे। सुदामा दो मुट्ठी चिड़वा दिया ठाकुर, त्रिभुवन का राज्य दिया ठाकुर जी। इसलिए उनके लिए सुंदर घर होनी चाहिए, बढ़िया जगह होनी चाहिए, सुंदर करके उनको कपड़ा से श्रृंगार करो। ऐसे नहीं खुद तो दिन में 3 बार ड्रेस बदलाते हो और ठाकुर 10-15 दिन से एक कपड़ा पहन कर बैठे हुए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। जैसे हम स्वयं स्नान करते हैं ठाकुर जी को रोज स्नान कराओ, उनकी चरणामृत लो, चरणामृत लेने से अकाल मृत्यु नष्ट हो जाता है, हैं। इसलिए ठाकुर को अच्छे तरह से ठाकुर का श्रृंगार पूजा सेवा जितने सुंदर आप देख लेना, जितने सुंदर आप ठाकुर को सेवा करोगे घर में उतना ही फलते फूलते रहोगे। ठाकुर अगर खुश हो गए तो विश्व ब्रह्मांड खुश हो जाता है। इसलिए ठाकुर को अच्छे तरह से पूजा करो। हाँ एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, ध्यान देकर सुनो। ये ठाकुर कैसे, ठाकुर मानो, इसको कोई स्टैचू मत मानो,
सुंदर एक कहानी सुनो। बोले एक समय ये अयोध्या में एक गुरु और एक चेला रहते थे। चेला बहुत छोटा बच्चा था जिनका नाम था रामदास। एक दिन गुरु जी ने कहा, बेटा रामदास मेरे को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम उनका राम दरबार था, इसको सेवा पूजा कर लोगे? बोले गुरु जी अगर आपका आदेश हो मैं कर लूंगा। बोले देख बेटा ठाकुर को ठीक से सेवा करना, ठाकुर को ठीक से खिलाना। बोले गुरु जी कोई चिंता मत कर। गुरु जी चले गए, रामदास रोटी बनाया सब्जी बनाया और ठाकुर को सामने धर दिया। बोले ठाकुर जी गुरु जी बाहर गए हुए, आओ और भोजन करो। वो तो एकदम छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता है गुरु जी कैसे कैसे क्या करते हैं। वो सोच रहा था जैसे हम बैठ कर खाते हैं ना ठाकुर जी ऐसे सब खाएंगे, लेकिन देखा ठाकुर जी उतर नहीं रहे, खाना नहीं खा रहे। बोले क्या आप मेरे से नाराज हो? गुरु जी बोल कर गए अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा करना है, अगर आप नहीं खाओगे तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। क्या मैं ठीक से खाना नहीं बनाया इसलिए नहीं खा रहे हो? आओ बैठ जाओ। तब भी ठाकुर जी बैठ कर खाना नहीं खा रहे। वो सोच रहे थे बैठ कर खाएंगे ठाकुर जी, तब भी नहीं खाना खा रहे ठाकुर जी। बोले अगर आप खाना नहीं खाओगे ना फिर तुम्हें ये सरयू नदी अयोध्या में सरयू, बोले इसमें मैं आत्महत्या कर दूंगा। इतने में वो आत्महत्या करने के लिए गया। भगवान वो बच्चा का भक्ति देख करके ना ठाकुर जी हिल गए भगवान राम। बोले हनुमान जी जा उसको पकड़ करके लाओ, सरज में आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। वो छलांग लगाने जा रहे थे इतने हनुमान जी पीछे पकड़ लिए। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे? बोले भोजन कर रहे। बोले हाँ। आकर देखा सचमुच से भगवान राम पहले भोजन किया, फिर माता जानकी, फिर लक्ष्मण भरत हनुमान और लास्ट में प्रसाद भाई। जब उसने दो चार दिन ठाकुर का ऐसे सेवा किया ना, बोले ठाकुर जी मेरे से इतना नहीं हो पा रहा है, मैं छोटा बच्चा अकेला भिक्षा मांगने जाता हूँ, फिर लकड़ी लाओ, पहले तो चूल्हा होता था ना, लकड़ी लाओ, फिर धोना लाओ, पत्ता लाओ, मैं अकेला कितना सेवा करूँ? बोले बताओ हमको क्या करना पड़ेगा? बोले बताओ मैं क्या करूँ? बोले तो आप घर का पिता हो, आपको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, आप पत्ता और तो धोना बना दो। बोले कोई बात नहीं भगवान, बोले मैं कर दूंगा। मैया जानकी बोली, बोले मैं क्या करूँ? बोले आप तो घर की माँ है, माँ क्या करती हैं? खाना बनाती हैं, रसोई बनाती हैं। बोले आप रसोई बना देना। बोले 14 साल जब जंगल में था मैं तो यही काम किया। लक्ष्मण बोले मैं क्या करूं? बोले देखो सूखी सूखी थोड़ा लकड़ी जंगल से ले आना। बोले मैं 14 साल तो यही काम किया, हमने मेरा अभ्यास है मैं ले आऊँगा। हनुमान जी बोले बताओ मुझे क्या करनी चाहिए? बोले और जितना बाहर का जितने काम आप कर लेना। बोले भैया जिंदगी भर मैं तो यही काम किया, अभी बड़ी सुंदर ये कब भिक्षा करके ले आता है, मैया सुंदर सुंदर भोजन बनाती हैं। कुछ दिन बाद में गुरु जी का एक लेटर आया। बोले रामदास मेरे साथ में कुछ संत आ रहे हैं, तुम एक टाइम के लिए भोजन का व्यवस्था कर देना, मैं आकर के देख लूंगा। अभी वो पत्र लेकर के मैया के पास में बोले माता जी गुरु जी बोले कुछ दिन बाद में आ रहे हैं और उनको साथ में कुछ संत आएंगे, कहते एक टाइम के लिए कर लेना मैं आकर देख लूंगा। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, ज्यादा भिक्षा करके ले आना, मैं तो रोसी बना दूंगी। तब उन्होंने गुरु जी के पास में लेटर भेज दिया, गुरु जी कोई चिंता मत करो, प्रभु राम बड़े सुंदर पत्ता धुने बने देते हैं और मैया सीता रोज तो 56 भोग 36 व्यंजन बनाती हैं और लक्ष्मण भैया बड़े सुंदर सुंदर सूखे लकड़ी ले आते हैं और हनुमान भैया तो सारे काम कर लेते हैं, कोई चिंता मत करो, आप जितने संत आ रहे हैं उनको लेकर के आओ। अभी गुरु जी ये पत्र पा कर बोले पागल क्या बोल रहा है, मैया सीता भोजन बनाती है, लक्ष्मण लकड़ी ला रहे, गुरु जी को तो ऐसे बात पता नहीं। गुरु जी तो बड़े चिंता करते करते आए, पता नहीं छोटा बच्चा इतने संत क्या करेंगे। और गुरु जी आकर के देखा इतने वहां पर भोजन बना हुआ, एकदम घर बना हुआ, बहुत संत आ रहे हैं, माता जानकी बना रही थी। बोले बेटा ये सब क्या है, इतने सब खाना कैसे? इतने में देखा माता जानकी स्वयं घर की कोड़े में बैठी हुई और रसोई बना रही है और जानकी देखते ही गुरु जी को थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुरा ली और वहीं से अंतर ध्यान हो गई। बोले बेटा ऐसे कैसे हो गया? बोले गुरु जी जब आप चले गए ना ठाकुर तो भोजन कर ही नहीं रहे थे, मैंने रोने लग गया। जब मैंने सरज में आत्महत्या करने के लिए गया ना फिर तब भी ठाकुर जी खाए, पहले तो खाना नहीं खा रहे थे, फिर कुछ दिन बाद में अकेला मैंने कहा कर नहीं सकता, फिर सबके सब मदद किए। बोले बेटा तेरे जैसे शिष्य पा करके मेरे जीवन धन्य हो गया है, हैं तेरे जैसे शिष्य को पा करके। देखो कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, कहते द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तुम। ये जो गोविंद देव है, कैसे गोविंद देव आ गए,
यहाँ से गोपीनाथ जो मदन मोहन कहाँ पर है, मदन मोहन बताओ तो, ये जयपुर छोड़कर करौली क्यों चले गई मदन मोहन, अब पता है? कहती ये राजा मान सिंह का एक बेटी थी जो परम गोपी श्री मदन मोहन को स्वयं सेवा करती थी। जब उसकी शादी के लायक ही हो गई, राजा मान सिंह ने कहा बेटी मैं जो दहेज रूप में दूंगा सो तो दूंगा, बताओ तेरे मन में कोई इच्छा है? बोले पिताजी मैं बचपन से ये मदन मोहन को मैंने सेवा की है, इनके प्रति मेरे प्रेम है, आप मेरे को दहेज रूप में ये मदन मोहन दे दो। उनका नाम ही मदन मोहन, बड़े सुंदर थे। तब राजा ने कहा देख बेटी तू और कोई ठाकुर ले ले, लेकिन मदन मोहन को नहीं ले सकता हूँ। बोले मैं तब भी शादी करूंगी जब मदन मोहन दोगे, मैं तो शादी नहीं करूंगी। अब बेटी और पिता राजा में लड़ाई हो गई। तब राजा ने कहा अगर तुम्हारी मदन मोहन में इतना प्रीति है मैं परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या परीक्षा लोगे? मेरे पास में बहुत सारी ठाकुर, जयपुर में बहुत सारी ठाकुर, बोले इनको मैं लाइन करके खड़े कर दूंगा, तुम्हारी आंखों में काला पट्टी बांध करके छोड़ दूंगा, जिस ठाकुर को तुम स्पर्श करोगे ना वही ठाकुर दूंगा। अभी रात भर बेटी रोई, ठाकुर जी मेरे को पता कैसे चलेगा आप मदन मोहन हो, आप तो मेरे प्रेम जानते हो, ठाकुर जी सपने में आए। बोले बेटी कोई चिंता मत करो, जब तुम्हारे आंख में काला पट्टी बांध देंगे ना एक काम करना, सब ठाकुर का शरीर में हाथ लगाते लगा देना, जब तुम मेरे पास में आओगे ना ये बात को कोई नहीं समझेगा, मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा, फिर पता चलेगा यही मदन मोहन, फिर मेरे को लेकर चले जाना। यहाँ ठाकुर जी उनका हाथ पकड़े राजकुमारी की, तभी ये मदन मोहन क्या किए, ये जयपुर से मदन मोहन चले गए, करौली चले गए। इसलिए ठाकुर जी भक्त के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी अंदर में ऐसे प्रेम होनी चाहिए। इसलिए हर घर घर में ठाकुर जी की बड़े सुंदर सेवा करो, बढ़िया से ठाकुर का स्नान, ठाकुर का जैसे अभी ठंडा का समय है ठाकुर जी को गर्म कपड़ा पहनाओ, जैसे अभी ठंडा समय में थोड़ी गर्मी पानी में नहाते हैं, ठाकुर को भी थोड़ी सी गर्मी पानी करके ठाकुर को भी नहाया करो। जितने आप ठाकुर को सेवा करोगे ना आप स्वयं देखोगे घर में इतना फलते फूलते रहोगे, घर में आनंद आनंद छाया जाएगा। अगर तुम्हारी घर में अरब खरब रुपया है ठाकुर को सेवा नहीं कर रहे हो वो घर में कभी भी शांति सुख आ ही नहीं सकती। इसलिए ठाकुर को जितने सुंदर सेवा करोगे घर इतना फलते फूलते रहेगा। और जो दूसरा चीज है तुलसी घर में हर हमारे सुंदर गोपाल प्रभु धरा जाओ, इसलिए हर घर घर में तुलसी की पौधा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जब ये जगत छोड़ कर गए तुलसी में ठाकुर का स्वरूप रख कर गए, घर घर में तुलसी की पौधा होनी चाहिए और गले में तुलसी की कंठी सबको होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी कंठी के बगैर हम ठाकुर को सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर टाटी पेशाब का एक थली है, हैं? जैसे ठाकुर जी को कोई भी भोग लगाओ जब तक तुलसी पता नहीं तो ठाकुर जी उसको ग्रहण नहीं करते हैं। अगर गले में हमारी तुलसी कंठी नहीं हो कहती ये शरीर अपवित्र है, ये शरीर के द्वारा हम ठाकुर को सेवा नहीं कर सकते, ऐसे नहीं अपने आप पहन लो, नहीं किसी साधु की हाथों से, किसी साधु की हाथ से ये तुलसी कंठी पहननी चाहिए। और जो तीसरा निष्ठा है कहते एकादशी निष्ठा, एकादशी सब करते हो यहाँ तो हमारे सब भक्त लोग सब के सब, इसलिए जो नहीं करते हो जरूर एकादशी व्रत रखना, क्योंकि जो एकादशी व्रत इसको बताया ये कल्पतरु व्रत है। कल्पतरु व्रत मतलब जैसे कोई सोम कोई मंगल कोई बुध अलग अलग व्रत करते हो उसका एक ही फल होगा, लेकिन एकादशी ऐसे के व्रत है हर एकादशी का अलग अलग नाम। एक एकादशी का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब क्या, अगर घर में पैसा की कमी अगर वो व्रत कर दो घर में पैसा आती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, उसको करने से पाप नष्ट हो जाता है। एक एकादशी का नाम अर्णदा, जिसको करने से घर में अर्ण सस्य खूब आती है। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, हम पहले सुना है ना पहले नंद बाबा का घर में पुत्र नहीं था, पुत्र कृष्ण कैसे हुए, उनने ये पुत्रदा एकादशी किया तब उन घर में पुत्र आया है। इसलिए एक का नाम विजया, जो एकादशी करने से तुम्हारी सर्वत्र विजय प्राप्ति होगी। सब एकादशी का नाम अलग अलग नाम है एकादशी व्रत के द्वारा। इसलिए एकादशी का दिन अर्ण में जितने तरह का गोहत्या नरहत्या ब्रह्महत्या सब पाप रहते हैं, इसलिए एकादशी का दिन अर्ण भोजन नहीं करनी चाहिए, फल मूल आदि ग्रहण करते हुए एकादशी व्रत आप लोग जरूर करना। देखो ध्यान देकर के, जैसे एक व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ है लेकिन उसका प्राण नहीं जा रहा है, आप किसी ब्राह्मण को बुलाओ बोलो इनकी जल्दी से जल्दी इनको मुक्ति कैसे होगी उद्धार कैसे होगी, आप देखना वो ब्राह्मण क्या कहता है, क्या बोलेगा? आपके अंदर में कोई है जो एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकता हो? और कोई व्रत का नाम नहीं बताया केवल एकादशी व्रत करके फल दे सकता हो? देखो ये मेरी अनुभूति बात है, मैंने गया था यूरोप गया था, है यूरोप में मैंने हॉलैंड गया था,
वहां पर एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, उसका शरीर एकदम कांटा बन गया था, प्राण नहीं जा रहा था, पड़ा हुआ। जब मैं वहां पर गया, उनको पता चला जे भारत से कोई साधु आया है, तो उनका परिवार के लोग हमारे कोई भक्त थे, उन्होंने मेरे को लेकर हॉस्पिटल में गए, बोले बाबा इनका दुख नहीं देखा जा सकता है, 2 साल से ये पड़े हुए प्राण नहीं जा रहे, बड़ी पैसा खर्चा हो रहा है, इनकी सदगति कैसे होगा। मैंने कहा एक काम करो, आप लोगों सभी संकल्प करके इनको एकादशी व्रत का फल प्रदान करो। बोले अभी तो 10 दिन बाकी है। बोले आप लोग संकल्प कर लो, हम सब लोग एकादशी व्रत करके इनका फल देंगे। मैंने उनका हाथ में पानी फूल लेकर के संकल्प करवाया चाहे हम एकादशी व्रत का। जब इतना बोले ना, 2 घंटा में उसका शरीर छूट गया। मैं जब वो हॉस्पिटल से आया, मेरे पास में फोन आया, बोले बाबा बाबा के शरीर छूट गया है। एकादशी में इतना महिमा। आप भागवत पढ़ कर देखो, कोई बार व्रत का नाम नहीं है, केवल एकादशी का था। नंद यशोदा स्वयं एकादशी व्रत रखते थे, अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन कुछ कुछ लोगों का भावना नहीं तो उसको विधवा करते हैं, वो बूढ़ा बूढ़ी नहीं। शास्त्र में बताया अष्टावर्षाधिक पूर्ण आशीत शीतवत्सर, 8 साल से लेकर 80 साल तक एकादशी व्रत कंपलसरी रखनी चाहिए। इसलिए जरूर आप अगर कोई व्रत नहीं रखते, जैसे सोमवार नहीं रखोगे, मंगलवार, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अगर एकादशी नहीं करोगे पूरा दोष लगेगा आपको, क्योंकि अर्न में ये सारे पाप का निवास ये अर्न में रहता है, हैं? इसलिए आप लोग जरूर ये एकादशी व्रत को, भले ही कोई व्रत मत करो, जरूरत नहीं कोई व्रत रखने का। अगर गोविंद देव का ये व्रत, केवल गोविंद देव का व्रत एकादशी व्रत, अगर गोविंद देव प्रसन्न हो जाए ना, कहते ना जा पर कृपा हरि की है, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर गोविंद देव का कृपा हो गया तो 33 करोड़ देवता सब के सब तुम्हारे ऊपर में आशीर्वाद कर लेंगे। इसलिए कोई व्रत रखने का जरूरत नहीं, केवल एक एकादशी व्रत को आप जरूर रखा करो। हमारे मंदिर में हमारे जो सुंदर गोपाल प्रभु, यहाँ पर भक्त अगर जुड़ जाओगे, आपको पास में भेज देंगे, इंटरनेट माध्यम में भेज देंगे मैसेज कब एकादशी व्रत रखना और दूसरे दिन कैसे व्रत को खोलनी चाहिए, ये सब आपको बता देंगे। हाँ देखो, जो अंतिम जो ग्रहण करना है, भगवान की नाम को ग्रहण करनी चाहिए। देखो एक स्टोरी, मैं सब जगह में एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुन लो और 5 मिनट में कथा को विश्राम दे देंगे। हाँ देखो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले श्री रूप गोस्वामी पाद की। देखो अंतिम स्टोरी सुन लो, ध्यान देकर सुनो, बाद में ये स्टोरी बोलने के बाद फिर मैं दोबारा पूछूंगा, देखूंगा ये स्टोरी मेरे को कौन बोल पाता है, ठीक है? मन लगा करके सुनो। बोले कोई एक राजा था, कहते राजा के 4 रानियां थी, कितना थी? 4। जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसका मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, ये 4 रानियों में सबसे सुंदर थी, वही सब चाहते ना मेरी पत्नी सुंदरी हो, इसलिए राजा उसको अच्छे तरह से सजा धजा करके रात में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाता था, देखो ये रानी मेरी कितने सुंदरी। राजा की जो 3री नंबर की रानी थी, ये बड़ा मीठा मीठा बात बना बना करके बोलती थी। राजा जब घर में आता था, इसको पास में बैठी करके उसको मीठा मीठा बोली सुनता था, लेकिन जो मन की बात है ना, और किसी को नहीं, ये 3री नंबर रानी को बोलता था। राजा की जो 4थी नंबर की रानी थी, है तो बड़ी प्यारी अच्छी, लेकिन जब से उसको घर में शादी करके लाए ना, उसको साथ में कोई मतलब नहीं रखा। कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी पूछा नहीं, बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। अभी राजा का अंतिम समय आया मरने का, सोचा मेरे पास में तो 4 रानियां हैं, इनसे प्रश्न करके पूछता हूँ कौन कहाँ तक मेरी साथ देती है। सबसे बड़ी रानी की नंबर आई, बोले रानी तू मेरी साथ में चलोगी? उसने कहा एक कदम भी मैं तेरे साथ में नहीं चलूंगी। बोले क्यों? मैंने जो तेरे लिए इतना किया, बोले तेरा कर्तव्य था मेरे प्रति तुमने किया, बोले तेरी, बोले मेरी तो कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं। उसको तो बड़ा दुख मिला। दूसरी रानी से पूछा, दूसरी रानी कौन थी? हर जोर से बोला, जो सुंदर थी। राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, बोले रानी तू क्या करोगी, तू मेरे साथ में चलोगी? बोले मैं चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूं तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से क्यों शादी करोगी? बोले देख मैं कितने सुंदरी, जहां जाओगी मेरे को पसंद कर लेगा। राजा को प्यार को नीचे जमीन जमीन खिसक गया, ये क्या कह रही है, मैं कब मरूंगा, दूसरे से शादी के लिए तैयारी कर रही है। अभी 3री रानी से पूछा, 3री रानी कौन थी?
जिसका जो जो बड़ी मीठी मीठी बात बोलती थी राजा सुनकर खुश रहती थी। उसने पूछा बोले तू क्या करोगी? बोले तेरे साथ में चलूंगा लेकिन दरवाजा तेरे चलूंगा। बोले उसको आगे बोले ज्यादा बोलोगे ना दरवाजा से तो चार कदमों में बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ नहीं चल सकती हूँ। बोले भैया तू भी किसी काम की नहीं। और चौधरी रानी से पूछा, चौधरी रानी कौन थी? बोले जोर से राजा जिसको साथ में कोई मतलब नहीं रखा, कभी झांक कर क्यों नहीं देखा, बोले बेकार है, हैं? राजा सोच रहा है इसको मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, कि जिसके लिए करो उसको पूछ सकता हूँ, जिसके लिए नहीं करो उसके लिए क्या पूछोगे। बोले तब भी मेरी रानी पूछ करके देख लेता हूँ। तो पूछे रानी तू क्या करोगी, चलोगी? बोले राजा तेरे को शर्म नहीं आ रहा है? जब से तुमने शादी करके लाए हो एक बार मेरे तरफ पे कभी झांक करके भी देखे, कभी पूछा तुमने तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं? और जो मर रहे हो तो पूछ रहे हो क्या मेरे साथ में चलोगी? बोले राजा तुमने मेरे साथ में जो कुछ किया किया लेकिन दिल से मैं तेरे को बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी और दुख में मैं दुखी बनूंगी। राजा सुन करके तो बड़ा आश्चर्य लगा। बोले जिनके लिए जिंदगी दिया वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं, और जिसके लिए कुछ नहीं किया वही जाने के लिए तैयार। हाँ अभी ध्यान देकर सुना ये चार रानी कौन है, ये हमारी जीवन की कथा, और कोशिश कर इसका जो तात्पर्य को अपना जीवन में उतारने के लिए। सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी जीवन में जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिस समय जो चीज की मांग करती हैं, भले ही हमें झूठ बेईमानी कुछ क्यों करना नहीं पड़ जाए, उसको इच्छा को हम पूरी करते हैं। कभी ये कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? किसको प्रेम करते हो? किसको? पीछे वाले बोलो, किसको प्रेम करते हो? कहते हम अपनी आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपना शरीर को सबसे ज्यादा हम प्रेम करते हैं। ये शरीर जिस समय जिस चीज की मांग करती है उसको ला ला करके शरीर को देकर उसकी इच्छा को हम पूरी करते हैं, हैं? ये शरीर शरीर से पूछा भैया साथ में चलोगे? बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। शरीर से जब परमात्मा चली जाएगी शरीर जहाँ के तहाँ वहीं पड़ी रह जाएगी, ये तक गया नहीं। अभी दूसरी नंबर आई जो सबसे सुंदरी, सबसे सुंदरी कौन है? कहते ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये सबसे सुंदरी है। राजा जिसको दुनिया को दिखाता था मतलब क्या, पैसा होगा बढ़िया घर में घूम बनाएंगे, बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनेंगे। अभी उससे पूछा भैया पैसा साथ में चलोगी? बोले तब मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या है? बच्चों का नजर कहाँ पर है? कहाँ पर रहता है? पैसा के ऊपर में। कितने दुकान मकान कहाँ पर, कितने प्रॉपर्टी, बात शरीर छूटते ही और दूसरों का नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। वो कहते भैया मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी, अभी जिसको पास में जाएगा वही भोग करेगा, वो भी गई। अभी तीसरी नंबर आई, तीसरी नंबर कौन थी? जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, हैं? ये कौन? बोले परिवार वाले। सबसे पहला नंबर आई पत्नी की, जिसको सात फेरा लगा करके शादी किया। पत्नी से पूछा क्या साथ में चलोगी? बोले हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजे तक चलना कोई चलना है? बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तक आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ में मैं नहीं चलूंगी। परिवार वालों से पूछा चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए बड़े सुंदर अर्थी सजाएंगे और राम नाम सत्य करते कहाँ तक ले जाओ? बोले श्मशान तक। बोले फिर? बोले वहीं जला कर टाटा करके वहीं से वापस आ जाएगी। अभी चौथी नंबर आई, चौथी नंबर कौन थी? राजा जिसको जीवन में कभी कुछ पूछा भी नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं कभी पूछा नहीं, पूरा नेगलेक्ट करके रखा था। लेकिन राजा जब उसको पूछा तू साथ में चलोगी, लेकिन उसने क्या बोला? हाँ मैं साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी और दुख में मैं दुखी बनूंगी। कहती ये कौन है? माता जी बच्चों को पीछे रखो, अभी नहीं, पांच मिनट बाद में लाना। इसलिए कहते ये चौधरी रानी कौन है? ये चौधरी रानी कौन है? जब ध्यान देकर सुने इधर, ये चौथी रानी कौन है जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा नेगलेक्ट कर रखे, ये किसी काम की नहीं बेकार है, ये क्या है? बोले भगवान के भजन है, भगवान का नाम है। अगर किसी व्यक्ति को बोलो ना थोड़ा हरिनाम करो, बोले काम समय कहाँ हमारे पास में, हमारे पास में कोई समय नहीं भजन के लिए। ये भजन कौन लोग करते हैं जिसका कोई काम धाम है नहीं, वही माला लेकर के हरे कृष्ण करते रहते हैं। हम पास में टीवी देखना, स्मार्टफोन देखना, काम करना, कितने कुछ करना, हमारे पास में कहाँ समय भजन करने के लिए। उसको पूरा हम जीवन में नेगलेक्ट करके रखे, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, आप देखे होंगे जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं वो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना राम नाम सत्य है,
गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है सब कोई बात झूठा, ऐसे बोलते हैं ना। बोले बेटा जितने तुमने जीवन में राम का और कृष्ण का नाम लिया तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ कमाया धमाया और जो कुछ किया एक सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ से नहीं जा रहा है, सब यही छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वास्तु अमोलक दी मेरे सदा गुरु, वास्तु अमोलक दी मेरे सदा कृपा करे आपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भजन को आप सब जानते हो, मीरा की भजन है कि जीवन में हमने क्या मिला जीवन में, बोले राम रतन धन पायो, जीवन में जितना राम का नाम कृष्ण का नाम लिया केवल जीवन में वही मिला और जगत जीवन में सब कुछ हमने खोया है, हैं? इसलिए कहते चोर नहीं लबे लुटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सवाल, ये ऐसे के धन है जिसको पत्नी करेगी ना जिसको पति नहीं ले सकता, जिसको पति करेगा तो पत्नी नहीं ले सकते, जिसको बच्चे करेगा तो पिता माता नहीं ले सकते, जिसको पिता माता करेंगे तो बच्चे नहीं ले सकते, जो करेगा केवल इसका मालिक इसी जीवन में भी मिलेगा और अगले जीवन में दिन दिन बढ़त सवाय, दिन प्रतिदिन सवा सवा गुण बढ़ेगा, वो क्या है ये भगवान की नाम धन है, ठीक है ना। आप बताओ तो आप चार रानियों में कौन सा रानी को ज्यादा प्रेम करोगे, बोलो सब के सब, अरे बोलो जोर से, चौधरी रानी को। लगता है आप लोग सब बड़े पंडित हो, सब समझ गए, अच्छी बात है। देखो करना मतलब है आज से भगवान का नाम जप करना शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमने एक व्यक्ति को बोला एक गिलास पानी दो तो, लेकिन वो पानी नहीं दिया, मैंने कहा सुना कि नहीं, बोले सुनते लिए आपने बोला एक गिलास पानी देने के लिए, लेकिन पानी दिया नहीं, लेकिन उसका सुनना सुनने को सुनना कहेगा कि नहीं, नहीं हमने समझ गए मतलब कि आज से कल करसो आज करो और आज करसो आप, इसलिए अभी से भगवान के नाम में निष्ठा होनी चाहिए। कलिजुग में जो महामंत्र ही हरे कृष्णा महामंत्र ही कलिजुग का यही महामंत्र है, नियम है किसी सद्गुरु से किसी वैष्णव से नाम लेकर के करनी चाहिए, फिर वो नाम भगवत प्रेम को प्रदान करते हैं, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी सुंदर गोपाल प्रभु बाइक लेकर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इसलिए देखो अभी कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी और जो हमारे मठ का जो इंचार्ज जो प्रभु जी श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी आप सबको थोड़ा आशीर्वाद देंगे, ये कथा में आप लोगों ने तन मन धन से हर तरह से आप लोगों ने मदद किया है, ये थोड़ी सी सबको आशीर्वाद वचन दें। बोलो हरे कृष्णा ज्ञान दिव्यानंदस्य ज्ञानंजन शलाके अचक्षुरुं मिलितं ये तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्योंकि समय का अभाव है, आप लोगों को भी जाना है, समय हो चुका है, दो शब्द ही बोलूंगा कि महाराज जी ने जो भी चार रानी वाली कथा सुनाई है, महाराज जी हमेशा बोलते थे कि इस कथा से मैंने लाखों हजार लोगों को भक्त बनाया, और सच्ची में इस कथा को सुन के जब मैंने भी पहली बार भक्ति माया इस कथा को सुना वो बहुत हृदय को स्पर्श करी थी। अभी महाराज जी ने प्रश्न पूछा कौन सी रानी को सबसे ज्यादा प्रेम करोगे, तो मैं आपस में ब्रह्मचर्य से मजाक कर रहा था कि उनको बोलूंगा फिर दूसरी रानी के लिए छोड़ के जाना। तो मुझसे बोलना एक बात, लेकिन हम प्रेम करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग हमारा स्वाभाविक प्रेम इस संसार के प्रति ही होता है और हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है कि हमारा भगवान से हो जाए। कथा में आते हैं, अभी हम जब तक कथा में जो स्क्रीन को बंद कर दो, कथा में जब तक आए हैं सत्संग का रंग है तब तक हम बोल रहे हैं, वापस संसार में जाएंगे तो क्या करेंगे,
संसार से ही प्रेम करेंगे। लेकिन अगर आप सच्ची में भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो भागवत का जो अंतिम श्लोक है उसमें उन्होंने क्या बोला, जिसमें उन्होंने नाम की महिमा बोली है, क्या कह रहे हैं, नाम संकीर्तन यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखम् नस्तम् नमामि हरिं परम, कि भगवान के नाम को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को नहीं, किसको प्रणाम किया, भगवान के नाम को, क्योंकि हमारे सामने भगवान अपने नाम के रूप में आए हैं। अगर कथा सुनने के बाद कोई संकल्प लेता है कि आज से मैं भगवान का नाम करूंगा, आपके हाथ में माला आ जाती है, तब तो हम समझते हैं कि उसने कथा सुना। लेकिन अगर कथा सुनने के बाद हाथ में माला नहीं आया, नाम नहीं किया, तो कथा सुनना वास्तविक में सार्थक नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूरा डायग्नोस कर दिया, एक्सरे कर दिया, हजारों रुपए के टेस्ट कर दिए, दवाई लिख के दे दी। अब दवाई नहीं खाओगे तो डॉक्टर के पास जाने का फायदा हुआ नहीं। उसी प्रकार से हमारे डॉक्टर कौन है, गुरुवर। और क्या औषधि ला के दी उन्होंने, औषधि माया नाशी कर लागी, ये हरि नाम औषधि है, हरि नाम लहो मांगी मांगी, हरि नाम लहो महामंत्र लहो तुम्ही मांगी, तुम्ही मांगी। क्या मांग रहे हैं हमसे, भगवान भीख मांग रहे हैं। कभी सुना भगवान भीख मांगते हैं, भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आके हमसे भीख मांग रहे हैं कि भाई तुम्हें औषधि दे दी है, कौन सी औषधि, हरि नाम की औषधि, इसको ग्रहण कर लो। और ये औषधि खट्टी नहीं है, ये औषधि संसार की औषधि की तरह नहीं है, ये औषधि कैसी है, ये साक्षात अमृत है। और हमारा कैसा स्थिति है कि हम लोग अमृत को छोड़ के विष की तरफ भागते हैं। इसलिए इतना संकल्प लेके जाना जब यहाँ पे आए हो कि मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ हरिनाम करूंगा। और मैं धन्यवाद दूंगा जिन जिन भक्तों ने इसमें सहयोग दिया, सबसे पहले हमारे जयपुर के राधा रमन प्रभु और जतिन प्रभु, इन दोनों ने ही सारा पीछे से सारा संभालते थे कि क्या सामान लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है। भजन गाए पूरा पूरा अठारह हजार श्लोक को उन्होंने पाठ किया है, और पूरा लाइव सारा दुनिया लाइव देख रहे हैं। और बाहर से जयपुर से जो रोज हमारी मदद करने आते थे, यहाँ से लोकेश प्रभु जी हैं, मुकेश प्रभु जी हैं, जिन्होंने यहाँ पे बहुत सहयोग किया, और भी जिन जिन भक्तों का मेरा नाम स्मरण नहीं आ रहा, सब भक्तों ने बहुत अपनी तरफ से सबने सहयोग दिया। और विशेष रूप से गोपाल की माता जी, यद्यपि हमने बोला था कि अभी कोरोना है नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और सच्ची का देखो और ये पूरा मठ को जिसने बनाया और पूरा मठ का व्यवस्था देख रहे हैं हमारे श्री सुंदर गोपाल, इसलिए देखो इस इन कथा में कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, अब विशेषकर गोपाल जी का जो मम्मी और उनका सो चाची फाची बहन और उनका पूरा परिवार सबसे पहले आ जाते हैं और साफ सुथरा करके पहले आकर कीर्तन भी शुरू कर देते हैं। इसलिए गोपाल जी का मम्मी और उनका जितने परिवार के सब यहाँ पर आए, हम ये सभी के लिए गोविंद देव जी से, गुरु जी से प्रार्थना करते हैं और ठाकुर इनको सब शांति सुख दे और इनको भक्ति प्रदान करे। और यहाँ पर जितने सब फोटो यहाँ पर रखे हैं उनका सब गोपाल जी की, इनकी पूर्वजों की सब यहाँ पर फोटो रखा हुआ है, इनको भी उन्होंने भागवत कथा के लिए सभी का आह्वान किया। देखो आप लोग कभी कभी देख लेना, संसार में सारे कुछ चीज है लेकिन कभी कभी संसार में शांति सुख नहीं मिलती है, पता है क्यों, कहती है पितर दोष है। क्या दोष है? पितर दोष है। अगर तुम्हारी पूर्वज लोग नाराज है, भले ही तुम्हारी घर में जो कुछ हो जाए, घर में शांति सुख नहीं मिलती। अगर वे अगर हमारे ऊपर प्रसन्न होना तब घर में शांति सुख मिलता है, लेकिन इनको शांति सुख कहाँ मिलती है। इसलिए भागवत में बताए
जब धुंधिकारी का नाम पर गोकर्ण ने गया में पिंड दी, बोले तेरे नाम पर पिंड दे दिया तेरे तेरे को मुक्ति नहीं मिली, बोले एक बार क्यों 100 बार भी तक मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने इतना पाप की, लेकिन मुक्ति कैसे मिली, केवल भागवत कथा से उनको मुक्ति मिलती है, भगवान के नाम सुनने से। इसलिए ये जितने पूर्वज लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम भी गोविंद देव जी से गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, इनको आत्मा को शांति मिले, ये जहाँ भी रहे भगवान की भक्ति करे, भगवान के नाम जप करे, भगवान के भजन करे, और इनको भगवान के चरण में प्रेम हो। इनके लिए हम श्री गोविंद देव और ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। इसलिए महाराज जी हैं, महाराज जी को यद्यपि महाराज जी के शिष्य बोले नहीं महाराज जी भागवत करने जयपुर जाना नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कोरोना फैला हुआ है और महाराज जी को डायबिटीज भी है, महाराज जी का वायरस भी ज्यादा है, लेकिन महाराज जी तब भी क्या करने के लिए यहाँ पे हमारे वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, जो कृष्ण रुक्मिणी तैयारी है ना, देखो अभी कृष्ण रुक्मिणी की शादी हो जाएगी, उसके बाद में कथा की विश्राम होगी, और सबके सब यहाँ पर प्रसाद बनाए ना, क्या प्रसाद बनाए, खीर, हाँ छोले कुलचे और खीर, चकाचक प्रसाद है, सबके सब प्रसाद भाग कर जाना। हाँ देखो, ये कृष्ण रुक्मिणी की हाथ में दो माला दे दो उनको, दो हाथ में थोड़ा दो माला दे दो उनका हाथ में। हाँ देखो, श्री विदर्भ देश में श्री भीष्मक महाराज के उनका 5 बेटे में सबसे जो छोटी बेटी श्री रुक्मिणी, इसने कृष्ण कथा सुनते सुनते, हाँ 2 मिनट कथा सुन लो, कृष्ण कथा सुनते सुनते उनकी कृष्ण के प्रति प्रेम हो गई, बोले मैं कथा सुनूंगी तो मैं शादी करूंगी, तो किसको साथ में, केवल द्वारकाधीश को साथ में, लेकिन इसको जो जो भाई लोग थे ना वो सबके सब कृष्ण विरोध थे, बोले नहीं ये ग्वाला का साथ में हमारा शादी नहीं, शादी तो हमारी श्री किसको साथ में, शिशुपालों को साथ में शादी करेंगी। इतने में उन्होंने एक प्रेम पत्र एक ब्राह्मण को दे करके कृष्ण को पास में भेजे, भगवान कृष्ण आए और उन्होंने रुक्मिणी को हरण करके ले गए, और ले करके फिर कृष्ण और रुक्मिणी की बड़ी धूमधाम से माला ले, तो धूमधाम से शादी, माला को निकाल दो, और एक माला है क्या, कहाँ है, हरे कृष्ण, इसको पकड़ो, तुम इसको पकड़ो, हाँ उधर ऐसे तुम माला पहना, सर नीचा कर बैठ के, हाँ बोले रुक्मिणी रामायण भगवान की, बोले श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की, उनको बच्चों को जय जय श्री राधे, इधर आ जाओ, हाँ हरे कृष्णा, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ जय जय श्री राधे। हाँ ये इसका होता आओ मेरी सखिया, मुझे भगवान लोग की शिक्षा दे रहे, देखो शादी में कितना रोना पड़ता है। हाँ देखो, अगर जो कुछ चढ़ाने के लिए अगर साड़ी फाड़ी लाए ना, इस समय में चढ़ा देना, श्रीदाम गाओ फटाफट गाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा, हट जाओ ना से, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, तेरा
Yeah.
सभी सुने, रोज सुबह 5:30 बजे मंगला आरती होती है, फिर 6 से 7 चैंटिंग क्लास होती है, सब लोग बैठ के एक साथ जप करते हैं, 7 से 8 कीर्तन होता है, 8 से 9 हरी कथा होती है, और शाम को रोज 6:30 बजे आरती होती है, संध्या आरती 7 बजे तक, और फिर 7 से 8 एक घंटा बहुत अच्छा महामंत्र होता है। यद्यपि सुबह हो सकता है कि आपको समय ना मिले, लेकिन शाम को आप 6:30 से 8 रोज आया कीजिए, आपसे कथा भी करना है, और रोज ही हम लोग ऐसा करते हैं 6:30 से 8 शाम को संध्या और थोड़ी सी कथा है। हरे कृष्ण। और एकादश का दिन हमारा प्रोग्राम होता है, हरे कृष्ण। अभी आपके पास सभी लोग शिक्षक बाइक चाहिए, गौरांत की बजाय जय आप लोग अगर कृष्णाष्टमी के लिए कोई कपड़ा लाए हो, साड़ी और कोई बड़ा भी लाए हो, कथा को बाद में तो प्रणाम देनी चाहिए, प्रणाम के बगैर कथा सुनने का फल नहीं मिलता है, इसलिए कुछ ना कुछ देनी चाहिए। और जो कृष्ण रूपिणी के लिए साड़ी लाए हम दे सकते जानवी आ
राम, सभी लोग विदाई करने हैं साथ में, सभी लोग हाथ उठा जाए, पुरुष लोग इस तरफ में, माता जी लोग इस तरफ में, आगे पीछे बस आगे हाथ उठा करके कुछ नहीं। जय जय राधा रमण हरि को, जय जय आजा तो एरे चखाऊं रस होली को
बोल हरे हरि बोल। जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय नंदन गौर हरि की जय। दया नित्यानंद प्रभु की जय। नमो नाथ तुम पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी।